एसु पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवई मंगलम। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगंदो जय जगपियामहो। जय सुयान बभव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महत्वा महावीर। सर्वाभीष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बीजी गाथा। धर्म कही दे गुण सहभावी क्रम भावी पर्याय रे भिन्न अभिन्न त्रिविध त्रिय लक्षण एक पदार्थ पायो रे जिन वाणी रंगई मनि धरे। जिनेश्वर परमात्मा की वाणी निश्चित रूप से मन में धारण करनी चाहिए। जिस तरह से जिन वाणी को हम मन में धारण करते हैं, मतलब एक भावों के अंदर सर्वज्ञ की वाणी ही सर्वश्रेष्ठ है, ये लक्ष्य हमारा बना रहना चाहिए। यहाँ पर इस शब्दों के अंदर इन्होंने अब आगे थोड़े से ले जाए, धर्म क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, क्रम भावी कौन है, सहभावी कौन है, ये दोनों का हिसाब किया। सहभावी मतलब क्या, जो साथ में रहने वाले को अभेद पूर्वक हाँ, अविना भाव से अभेद संबंध से जो हमेशा ही साथ रहे, जिसका कभी भी सर्वथा विच्छेद न हो। तो यहाँ पर मूल केंद्र में कौन है, हाँ मूल केंद्र में मुख्य रूप से जो द्रव्य है, तो द्रव्य का सहभावी जो है वो उसका वो अविना भाव से उसको छोड़ेगा नहीं, साथ में रहेगा हमेशा। जब भी लक्ष्य लो तो पहले द्रव्य की बात केंद्र में लो। हम जब द्रव्य को छोड़ देते हैं और फिर बात करते हैं, अब ये क्या है कि ये द्रव्य, अब जब पर्याय इसकी बदलेगी सब, क्योंकि द्रव्य जो होता है उसकी जैसे जैसे पर्याय जब जब जिस तरह से बदलती जाती है वही व्यवहार में आ रही, और फिर उसके गुण होंगे तो गुणों के पर्याय बदलेगी तो वो व्यवहार में आएंगे। अब द्रव्य क्या है, तो द्रव्य की हमेशा पर्याय बदलती व्यवहार में आने का कारण क्या है कि द्रव्य अंदर अनुगत रहता है, बाहर पर्याय से व्यवहार होता है। सामान्य रूप से हुआ क्या है कि लोग जब पर्याय से व्यवहार करते हैं तब वो अंदर के द्रव्य को नहीं देखते हैं, उनका उस द्रव्य के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता है, क्योंकि बाहर पर्याय से व्यवहार हो रहा है, मनुष्यों का व्यवहार हो रहा है, नाम आदि से व्यवहार हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, तो अनुगत अंदर के द्रव्य को कौन देखेगा, कौन सोचेगा। अब हमने क्या किया, मनुष्य यदि जीव आत्मा द्रव्य ने मनुष्य पर्याय धारण कर लिया, अब मनुष्य पर्याय धारण करके उसके नाम आदि बना दिए, सब नाम गाम ठाम संबंध बन गए, ये व्यवहार उसका शुरू हो गया। अब आत्मा की कौन विचारना करेगा, क्या रहेगा, नहीं हमारे जैसों को पूछो आप, बाहर की दुनिया के लोगों की बात नहीं करो, हमको भी आत्मा प्रतीति आत्मा अनुभूति आत्मा के साथ व्यवहार हमने कितनी बार कब किया है। शरीर है, शरीर से कार्य हो रहे हैं, नाम है, नाम आदि से व्यवहार हो रहे हैं, शरीर है तो शरीर धर्म की क्रिया कौन सी, आहार निहार की नियमित चल रही है,
कहां आपको बीच में आत्मा अनिवार्य लगे कि हाँ नहीं 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 यहाँ आत्मा के बिना व्यवहार नहीं हो रहा है, ये कब लगा आपको? और जबकि है आत्मा, उसका व्यवहार शरीर की क्रियाओं से भी 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा व्यवहार, कैसे? सब शरीर की क्रियाओं में व्यवहार होगा। अरे अभी मैंने क्या बोला, लास्ट लाइन क्या आई? 100 गुना। हाँ क्या? आत्मा से शरीर के साथ। अरे नहीं, उल्टा समझ गए, शरीर के साथ आत्मा का। हमारा जो प्रतिदिन का नियमित व्यवहार, क्रिया, प्रवृत्ति जो भी चल रही है, बराबर, बाह्य पर्याय शरीर, आंतरिक अनुभूत द्रव्य आत्मा, अब दोनों के क्रिया व्यवहार, तो शरीर से होने वाली क्रिया व्यवहार जो चल रही है वो नियमित चल रही है। आहार निहार आदि की क्रिया जो देहाश्रित शरीर धर्म की क्रिया है वो तो नहीं रुक रही है, तो उससे शरीर की प्रतीति अनुभूति तो नियमित हो रही, लेकिन शरीर की क्रिया से भी ज्यादा आत्मा को पहचानी जाए, आत्मा का उसमें संबंध रहे, ऐसी क्रिया व्यवहार की प्रवृत्ति भी उसकी निरंतर सतत हो रही है, और वो शरीर की क्रिया से 10 गुनी 100 गुनी 1000 गुनी ज्यादा है। कौन सी? हाँ, ज्ञान दर्शन की। बरोबर समझो, ज्ञान का व्यवहार हमारा रोज चल रहा है कि नहीं? आप शरीर के लिए आहार निहार की क्रिया दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन उससे ज्यादा 100 बार तो दिन भर में दर्शन ज्ञान दर्शन की क्रिया प्रवृत्ति हमारी हो रही है, लेकिन ज्ञान दर्शन की क्रिया प्रवृत्ति होते हुए भी आत्मा की प्रतीति आपको नहीं हो रही है। ज्ञान दर्शन की क्रिया हो रही है, किन स्वरूप में, कैसे सोच, क्यों? आप बोल रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो सब? ये कौन कर रहा है? क्या क्रिया किसकी है? आप पहले नियम बनाओ, क्या नियम है? शरीर पुद्गल पिंड है, शरीर जड़ है, जड़त्वात शरीर में जो है क्रिया नहीं, शरीर खुद क्रिया नहीं कर रहा है, बरोबर। अब शरीर में क्रिया कौन करता कौन है? अंदर चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा सक्रिय तत्व है, क्रिया कौन करेगा? चेतन आत्मा करेगा, वही करता है, क्रिया करने के कारण चेतन आत्मा करता है। तो ये बात हम क्यों भूल रहे हैं? तो अब उसकी चेतन आत्मा का गुण कौन सा है? क्या गुण? पर्याय व द्रव्य, ये बराबर लक्षण बना हुआ है, और गुण ही पहचान है, और द्रव्य अपने गुणों से ही क्रिया कर रहा है, वो द्रव्य का गुणों के आधार पर होने वाली क्रिया को ही उसकी शक्ति कही है। वापिस बोलो, द्रव्य गुणों के आधार पर ही क्रिया कर रहा है? नहीं, बराबर वाक्य रचना में शब्द इधर उधर मत करो। शरीर पुद्गल पिंड जड़ है, हाँ बराबर, तो शरीर क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया करने वाला कौन है? चेतन है, आत्मा है। हाँ, तो आत्मा क्या है? द्रव्य है। हाँ, द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध है, तो द्रव्य के अंदर गुण बढ़िया रहे हुए हैं, द्रव्य के अंदर गुण पर्याय रहे, ये बोलना सही है कि गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है, ये बोलना सही है। अब द्रव्य गुण से क्रिया करेगा, गुण के अनुरूप क्रिया करेगा, बरोबर। अब द्रव्य गुण से क्रिया करेगा तो द्रव्य की गुणात्मक क्रिया उसकी शक्ति हुई, तो द्रव्य की पहचान प्रति क्षण गुण से हो रही है, सुगंध से फूल की पहचान प्रति क्षण हो रही है, रूप रंग आदि से पुद्गल द्रव्य की पहचान प्रतीक्षण हो रही है। अब आपको ये ख्याल आ गया कि तो द्रव्य की क्रिया, द्रव्य मूलगत मूलभूत द्रव्य की क्रिया और पुद्गल द्रव्य की क्रिया जो पर्याय धारण क्रिया है, उसकी पर्याय धारण की है, उसकी क्रिया कितनी बार हो रही है? आहार निहार आदि की क्रिया प्रवृत्ति 2-4 बार ही हो रही है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की क्रिया जीव की प्रतीक्षण हो रही है, देखना जानना सुनना आदि सब क्रिया हो रही है। इंद्रियां किसके लिए है? पुद्गल शरीर के लिए इंद्रियां है कि आत्मा के लिए इंद्रियां? इंद्र आत्मा, इंद्रियां आत्मा के अंग भूत। अब ये क्या है? बाह्य शरीर अंग है, ध्यान दो, अंगोपांग नाम कर्म के आधार पर
ये शरीर अंग, अंग मतलब कान अंग है, कान अंग है तो कान किसका है, शरीर का अंग है। कान के अंदर जो श्रवण करने का ध्वनि यंत्र है वो इंद्रिय आत्मा की है। ये बाहर दिख रहा है नाक, ये नहीं है इंद्रिय। अंदर गंधक ग्राही जो है वो कितनी सी है, गंधक ग्रहण करने वाली वो बिल्कुल बिंदु जितनी छोटी सी है वो गंधक ग्रहण कर रही है, तो इतना बड़ा। हाँ ये उपकरण इंद्रिय है, तो उपकरण इंद्रिय तो श्वास के आने जाने का मार्ग हो गया, सबके अंदर है। जीभ इतनी बड़ी है लेकिन जीभ के अंदर जो है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं सर, वही उसके स्वाद को ग्रहण करने वाले, पूरी जीभ नहीं है। आगे ख्याल, वो किसका अंग है, आत्मा का। आत्मा का कैसे बोलेंगे, हाँ सुनो, उससे ही आत्मा गंध ग्रहण कर रहा है, उससे ही आत्मा श्रवण कर रहा है, उससे ही आत्मा रूप रंग को देख रहा है, वही आत्मा शक्ति है वहां पर। तो आत्मा शक्ति, अब आत्मा अरूपी है तो उसको रूपी वाले को ही बनाना पड़ेगा ना। आगे बना लिया ये बाह्य अंग रचना नाम कर्म के पुद्गल द्रव्य की, उसके बीच में केंद्रीय भूत छोटी सी और अपनी इंद्रिय ग्राही प्रवृत्ति से अलग रखी है। तो ये उपकरण इंद्रिय है तो वो लब्धि इंद्रिय, तो अंदर वो है तो वो ग्रहण करिए, तो वो किसका है, डायरेक्ट आत्मा से हो रही। अब जैसे आपकी पड़ल बंद हो गई, देखना बंद हुआ, देखना बंद हुआ तो जानना बंद हुआ। जैसे आपने कान बंद कर दिया, आपको सुनना सुनना बंद हो गया, सुनना बंद होते सीधे आत्मा को जो है ज्ञान दर्शन का उपयोग बंद हो गया। तो ये किसका काम है, शरीर का नहीं आत्मा का है। आत्मा का कार्य आत्मा करता है और आत्मा की क्रिया का कार्य 100 में से 100% हो रहा है, 1000% हो रहा है, फिर भी हमने कभी आत्मा ये है, आत्मा की प्रतीति है, ये हमने अनुभव नहीं किया। शरीर की क्रिया, शरीर स्थूल जड़ है, आहार आदि निहार आदि हो रहा है, वो हम बरोबर अनुभव कर रहे हैं, तो वह शरीर की सक्रियता का आपको अनुभव हो रहा है, आत्मा की सक्रियता का अनुभव नहीं हो रहा है। आत्मा ने अरूपी, आत्मा अरूपी है तो ही जाकर के उसने इंद्रियां बनाई है। आत्मा कैसे इंद्रिया बनाएगी, आत्मा तो अकर्ता भोक्ता। फिर किसका लाया ये आपने, शुद्ध निश्चय नहीं, नहीं शुद्ध निश्चय नहीं, ये अकर्ता भोक्ता किसका नियम है, किधर से लाके बैठा दिया आपने, अकर्ता ही तो है। क्या अकर्ता, ये कैसे बात बैठाई आपने, क्या करता कर्म हो गए फिर तकलीफ ये होती है कि अन्य दर्शन को पढ़ने के बाद स्वदर्शन का अभ्यास नहीं होने से अन्य दर्शन की बुद्धि मानसिकता बना लेते हम, ये तकलीफ हो गई। आत्मा की इंद्रिय यह कर्ता कर्म भेदानां भोक्ता कर्म फलस्य च सहि आत्मा नान्य लक्षण, ये जैन दर्शन का सिद्ध। अकर्ता निर्गुणो भोक्ता ये किसका है, सांख्यों का मत है। आपने पढ़ लिया तो सांख्यों को ही दैन दर्शन का मत मान लिया, ऐसी गलती मत करो आप। निश्चय नय से भी आत्मा करता है, निश्चय नय से भी आत्मा अकर्ता नहीं है, फिर वापिस कांजी का मत पकड़ के बैठोगे आप। चलो ये सब मतलब, ये बात मत करो, इधर उधर बात मत करो, पहले जो बोला है उसको खुलासा करो। निश्चय नय से आत्मा करता है, ज्ञाता दृष्टा मतलब करता हुआ कि नहीं, अरे जानने वाला देखने वाला। अरे कर्तृत्व भाव है ना ज्ञातृत्व भाव, दृष्टत्व भाव है ना दृष्टा भाव, गुण इति ज्ञान दर्शनम, तस्य कर्तृत्व भाव है ना कर्ता रूपेण ज्ञाता आत्मा। जब ज्ञान की क्रिया जानने की शुरू हुई तब ज्ञाता बना, तब आत्मा को ज्ञाता कहेंगे। जब दर्शन की क्रिया हुई तब जाकर के दृष्टा के रूप में आत्मा को कहेंगे। क्रिया भावे कर्ता भाव, क्रियाया सद्भावे कर्ता है सद्भाव, क्रिया करने वाला आत्मा है। निश्चय नहीं से भी आत्मा को ही क्रिया करनी है, व्यवहार नय से भी आत्मा को क्रिया करनी है। फर्क कहा है, निश्चय नय से सिर्फ शरीर के बिना आत्मा के ज्ञान दर्शन की क्रिया, व्यवहार नय से शरीर सहित आत्मा की शरीर की शारीरिक क्रिया, ये फर्क करो आप।
अब निश्चय नहीं से आत्मा को अकर्ता मत बोलो। फिर वो बोल रहे हैं हमको रात में 12 बजे आइसक्रीम खाते हैं तो अब आत्मा थोड़ी खा रही है, कौन खा रहा है, खाने की क्रिया कौन कर रहा है, क्या भूतगल भूतगल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो आप पहले वास्तविक खुलासा करो, खाना पीना रोना हंसना चलना उठना बैठना सारी क्रियाएं करने वाला चेतन आत्मा ही है। आत्मा का गुण तो नहीं है, कैसे करेगा, क्या गुण नहीं है, आत्मा खाना पीने गुण थोड़ी है, खाने पीने के गुण होना चाहिए क्या, लेकिन आत्मा तो आत्मा धर्म भी मानो गुण शुद्ध आत्मा द्रव्य में आत्म शुद्ध ज्ञान गुणों में मतलब क्या उसका शुद्ध आत्मा ऐसा द्रव्य है। अरे तो उसका मतलब क्या, अशुद्ध कैसे बना, कर्म के कारण अशुद्ध बनाए, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कर्म के कारण बनाए तो कर्म के कारण की क्रिया भी तो लागू होगी कि नहीं, तो करता कौन है कर्म के पीछे, कर्म करता है कि आत्मा करता है, कर्मणा केवलम करण रूपेण एव न तो कर्ता रूपेण, कर्माधीनत्वात् अपि कर्म कर्ता तो आत्मा एव न तो कर्म एव। काला गोगल्स पहना है तो गोगल्स देख रहा है कि आंखें देख रही है, फिर अब आंखें देख रही है तो आपको सफेद दिखाई देगा कि काला दिखाई देगा, आगे का आवरण उसका जब काला हो गया है सामने पदार्थ सफेद होते हुए भी इसको दिखाई कैसा देगा, देखा किसने, फिर क्या आंखों ने, आंखों ने बोल रहे हो, बड़ी बात वही पकड़ के रख रहे हो, कांजी वाले हो क्या तुम, आत्मा ने आंखों के द्वारा, तो फिर आत्मा ने देखा ये बोलने में क्या गलत है, आत्मा ही देखती है तो आत्मा ने देखा है, आंखों से देखा है ऐसे बोलो, वाक्य रखना तब शुद्ध होगी। इसमें दो करण आएंगे ना, दो करण कौन है, एक आंख और एक चश्मा, चश्मा उसको करण थोड़ी कि ना, आपके आत्मा का थोड़ी अंग है, आंख आत्मा का अंग है, शरीर बनाया किसने, शरीर को धारण किसने किया है, द्रव्य मूल आत्मा द्रव्य इस पुद्गल पर्याय के अंदर ढला कौन है, तो आत्मा को आंख को आत्मा का अंग नहीं कहना है, व्यवहार नहीं से हम शरीर का अंग कहेंगे, निश्चय नहीं से हम किसका कहेंगे, देखने की क्रिया का अंग आत्मा का है, कौन देख रहा है कौन जान रहा है, और ज्ञाता दृष्टा गुण उसका नहीं हुआ तो क्या करता आत्मा, ज्ञाता दृष्टा गुण है, गुण के अनुरूप देखना जानना क्रिया है, आत्मा के माध्यम से पुंजों की क्रिया, हाँ बरोबर, अब सही बोला आपने, तो करता माध्यम आत्मा नहीं बना है, शरीर आत्मा बना, अभी आपने क्या बोला, आत्मा के माध्यम से, अरे आत्मा के माध्यम से नहीं, पुद्गल के माध्यम से आत्मा, शरीर के माध्यम, आप एक शब्द आगे का पीछे करो, पीछे का आगे करो, दृष्टि आपकी बरोबर बननी चाहिए तब आपके वाक्य रचना उस हिसाब से होगी, आत्मा के माध्यम से शरीर देखता है तो उल्टा हो गया, पुद्गल का शरीर आत्मा के माध्यम से, तो वहां पर कर्ता भाव जिसका है उसी को क्रिया कारक बनाएंगे। अब इंद्रियां क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा के ज्ञान दर्शन की क्रिया को व्यक्त करने का अंग है, अब अंग है बना हुआ किसमें है, शरीर के अंदर है, तो अरूपी आत्मा ने रूपी पदार्थ का अंग बनाया है और उसके अंदर अपनी ज्योति क्या रखी है, उसके अंदर अपनी ज्योति जो है, अपनी शक्ति कौन सी रखी है, तो ये सब क्या हो रहा है, आंख नाक कान आदि पांचों इंद्रियों से होने वाला ज्ञान दर्शन है, ना आंख को हो रहा है ना कान को हो रहा है, मुर्दे को भी आंख कान तो है कि नहीं है, मृत शरीर के अंग तो वही है, तो अकेला आत्मा भी थोड़ी देख सकता है, अकेला आत्मा सिद्ध देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सर्वज्ञ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अभी लोकांत में बैठे हुए सिद्ध परमात्मा पूरे जगत को देख रहे हैं, कहाँ है उनके पास आंख ना कान इंद्रियां, उसको आपने पहले देखने की बात की ना, एक क्रिया देखने की बात, बोलने की क्रिया से संबंध नहीं है, वहां पर शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो नहीं बोली, शरीर के बिना आत्मा अकेला क्या करेगा, आत्मा अकेला होते हुए भी ज्ञान दर्शन से अपना पूरा व्यवहार कर रही है, खुद का व्यवहार तो और किसका, जानना देखना किसको है, किसी का सपोर्ट,
क्या क्या सपोर्ट की जरूर क्या है, जैसे अगला काम शरीर में करता है, अगला काम करना है कि देखना है जानना है, देखने जानने की। हाँ बस, तो देखने जानने की क्रिया अनंत सिद्ध अभी बैठे बैठे रोज कर रहे हैं, क्या तकलीफ है उनको। द्रव्यों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारा कि नहीं आपने पहले, फिर बात घूम करके वहां क्यों आ रही है, पढ़ने का मतलब क्या हुआ, पढ़ने का मतलब क्या हुआ। अब शरीर पर्याय धारण न भी करे तो द्रव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है क्या? नहीं, आत्मा ने शरीर पर्याय धारण नहीं की, नहीं की तो नहीं की, शरीर तो पर पुद्गल का पिंड द्रव्य है, उससे कोई आत्मा का, आत्मा के अस्तित्व का नष्ट हो जाएगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आत्मा है, अब द्रव्य रूप में ये इसकी कक्षा है, अब ये है आत्मा का द्रव्य, अभी किसकी बात चल रही है, द्रव्य स्वरूप की बात। अब ये आत्मा द्रव्य है, द्रव्य की बात हमने की, ये किसके, इसके नाम संज्ञा हमने क्या दी, आत्म द्रव्य। अब ये क्या है, आत्मद्रव्य। अरे ये एक, एक ये क्या है, पुद्गल क्यों बोला आपने, हाँ आप ऐसे मत बोलो सर। अब ये इसके प्रदेश है, अब इन प्रदेशों की ये क्या है, रचना। अब इसको आगे, अब ये रचना हो गई, अब रचना स्वरूप मतलब क्या आएगा उसका, ये सब जो है उसके प्रदेश आए। अब इन प्रदेशों के अंदर क्या है, प्रत्येक में ये गुण है, अब कौन कौन से गुण है इसके अंदर, अब गुण के अंदर जो है ये इसका जो है ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये वीर्य है। अब ये सब गुण एक प्रदेश में है कि नहीं है, एक प्रदेश में सब गुण, एक एक प्रदेश में। अब ये दूसरा प्रदेश इसमें है, ये तीसरा प्रदेश, ये इसमें कितने प्रदेश है, यहाँ पर असंख्य प्रदेश है। अब इन असंख्य प्रदेशों में से, हाँ असंख्य प्रदेश, अभी एक एक प्रदेश में जो गुण है वो सभी प्रदेशों में है कि नहीं, ये कपड़ा है, कपड़े में जो सफेदी है वो सभी प्रदेश में है कि नहीं, कि ये किनारा सफेद है दूसरा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो सब प्रदेश मिलकर के, असंख्य प्रदेश मिलकर के एक द्रव्य बना है, कितने धागे मिलकर के ये कपड़ा बना है। अब कपड़े की रचना देखो आप, तो एक प्रदेश खड़ा है, एक धागा आड़ा है, एक धागा खड़ा है, तो दो का क्रॉस पॉइंट, ये प्रदेश हुआ। सफेदी गुण किसमें किसमें है, किसमें नहीं है, पूरे प्रदेश, पूरे क्यों बोला, जितना इस पुद्गल के जितना, पूरे क्यों बोला, पूरे शब्द सही है क्या, सभी प्रदेशों में, तो सभी प्रदेश कितने है संख्या में, असंख्य, असंख्य में एक प्रदेश में जो गुण है वो सब प्रदेशों में है कि नहीं, एक प्रदेश में जितने गुण है उतने सभी प्रदेशों में है कि नहीं। अब एक एक प्रदेश में यहाँ गुण कितने हैं, एक एक प्रदेश में गुणों का प्रमाण कितना है, अनंत है, तो अनंत है, तो असंख्य में सबके अंदर हुआ कि नहीं। अब आप बोलो ये ज्ञान कितना है, अनंत, दर्शन कितना है, अनंत, चारित्र कितना है, अनंत, वीर कितना है, अनंत। अब ये जो अनंत लिखा है ना, अनंत काल की अपेक्षा से, फिर वापिस बात है, कल हमने घोटी उसकी बात वापिस भूल जाते हो, ये पाठ आगे नहीं चलेगा, फिर वापिस मैं कल की बात, प्रमाण की अपेक्षा से आप कल का खोलो, पेज खोलो, कब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है पहले ये तकलीफ है, ऐसे पाठ नहीं चलेगा फिर आगे। अनंत आत्मा के असंख्य प्रदेश, एक प्रदेश में अनंत ज्ञान है गुण, और एक प्रदेश में, पहले जो शब्द आया उसी को खोलो ना फिर। अरे बोलो, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ अब उसका दो पेज क्या लिखा है, काली और द्रव्य, त्रय काली, हाँ और एक साइड रखे द्रव्य, क्या मतलब अस्तित्व, इसका मतलब तीन काल रहने वाला है,
हाँ फिर दूसरा इसका द्रव्य मतलब, ये आप भूल रहे हो, सब मेहनत नहीं कर रहे हो, ये लिखो इसको द्रव्यगत अस्तित्व और ये कालिक अस्तित्व। अब कल इतनी बात हुई थी कालिक से आपको इतना है कि काल मापक द्रव्य, मापने में ये अस्तित्व कब से कब तक है, कहाँ तक है, कब से है, कितने काल तक है, ये बात आ गई। लेकिन वो मूलगत क्या है, मूलगत किसका है, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, विद्यमान का। हाँ तो पदार्थगत, पदार्थगत जो मूलभूत अस्तित्व है वो है तो काल में उसका मापन होगा, वही नहीं है तो काल में मापन कैसे होगा। तो पदार्थ का मूलगत जो होता है, मूलभूत जो होता है वो क्या है, वो क्यों है, वो प्रदेश समूहात्मकता के कारण। अब ये आपने क्यों किया, प्रदेश समूहात्मक पिंड, अब इसको हमने किस नाम से संज्ञा दी है बोलो, काय शब्द बोलो पहले, अस्तित्व तो इधर आ गया, ये काय शब्द जो है प्रदेश समूहात्मक पिंड, अब ये हो गया, अब ये द्रव्य का मूलगत अस्तित्व है, अब ये द्रव्य का मूलभूत अस्तित्व होने का कारण इसकी इसका इसका जो बंधारण रचना है वही इस प्रकार है। अब वो जो इस प्रकार है मतलब इधर क्या समझना है आपको, एक भी प्रदेश अनंत काल में भी कभी भी बिखरने वाला नहीं है, ये बोलो पहले, एक भी प्रदेश जो है अनंत काल के अंदर कभी भी बिखरने वाला, अब नहीं बिखरेगा तो उसका अखंड अस्तित्व बना रहा कि नहीं, बस। तो ये मूलभूत अस्तित्व किसके कारण आया, प्रदेश समूहात्मक स्वरूप के कारण। अब मूलभूत अस्तित्व जब प्रदेश समूहात्मकता के कारण बना है तो वो द्रव्यगत अस्तित्व, अब उसको मापने का काल जो है साधन बन गया, तो मापने की दृष्टि से काल से जब हमने व्यवहार किया तब हमने बोला त्रैकालिक अस्तित्व। अब मूलभूत अस्तित्व नहीं होता तो त्रैकालिक अस्तित्व कैसे कहते हम, पर्याय को मूलभूत अस्तित्व क्यों नहीं कहते, पर्याय परिवर्तनशील है, उत्पाद वेश है, तो उसको त्रैकाल नित्य क्यों नहीं कहते, सदाकाल नित्य क्यों नहीं कहते, वो मूलभूत अस्तित्व नहीं है, पर्याय परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसे, उत्पाद व्यय के बिना परिवर्तन नहीं होगा, जब उत्पाद व्यय होगा तो ही परिवर्तन होगा। तो ये बात द्रव्य में क्यों नहीं आ रही है, द्रव्य का न तो उत्पाद है, द्रव्य का न तो पर्याय है, व्यय है, जब उत्पाद भी नहीं है व्यय भी नहीं है तो वो किस रूप में है, काय रूप में है, काय से मतलब प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है, वो अस्तित्व है। अगर ये नहीं स्वीकारोगे तो फिर आत्मा बनी कब, अब बनी तो फिर नष्ट हो जाएगी, बनी तो फिर नष्ट हो जाएगी, वो चीज ने यहाँ पर नहीं बैठ रही है, तो ये क्या है, उसका त्रैकालिक स्वरूप हो गया है, न आत्मा बनती है न कभी नष्ट होती है, किस रूप में, मूल द्रव्य में, मूल द्रव्य रूप से आत्मा की उत्पत्ति नहीं, मूल द्रव्य रूप से आत्मा का कभी व्यय नहीं, यही नियम सबके साथ बोलो, आकाश का भी यही नियम है, आकाश भी मूल द्रव्य रूप में है, उसका भी कभी उत्पाद नहीं, उसका भी कभी व्यय नहीं। अब आकाश की पर्याय का उत्पाद भी हमने किसमें किया था, जीव या पुद्गल के जाकर के स्थान अवकाश ग्रहण करने के कारण किया, वही नियम धर्मास्ती काल में, वही नियम अधर्मास्ती काल में, वही नियम पुद्गल में, तो पुद्गल के भी अस्तित्व अनंत काल तक समान रूप में बना रहेगा कि नहीं, अनादि अनंत काल तक उसका अस्तित्व एक सरेखा एक जैसा सदा काल जो बना रहेगा, उसका कारण ये है। तो अस्तित्व किसके कारण बना है, अस्तित्व कालिक बाद में है, पहले द्रव्य का अपना स्वयं का है, अस्तित्व का मतलब नित्यत्व कैसे, मतलब नहीं है, अस्तित्व के कारण नित्यत्व, कार्य कारण भाव बैठा के बोलो, न्याय की भाषा में सबसे पहला लक्ष्य रखना कार्य कारण भाव, आपको बरोबर कार्य कारण भाव हमेशा स्मृति में आए और उस हिसाब से वाक्य रचना करवा, पहले द्रव्यगत उसका, हाँ द्रव्यगत मूलभूत अस्तित्व बना हुआ है, उसके कारण काल की मापकता में अस्तित्व, तो काल की महापकता में त्रैकालिक आपने जोड़ दिया, क्यों जोड़ा त्रैकालिक पना, न आदित्वात् न अनंतत्वात् त्रैकालिकत्वम्,
बोलो बोलो बराबर बराबर बोलो। न आदित्वात, आदि नहीं होने से, हाँ, अंत नहीं होने से ये त्रिकालिक है। अब आदि नहीं अंत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों आदि नहीं है? इसकी कभी जो है उत्पाद नहीं हुआ और उसका कभी जो उत्पादन नहीं हुआ और इसका व्यय नहीं होने वाला है। अब आप पहले पदार्थ दो प्रकार के लिखो, नहीं तो ये बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। यार साहब खराब लगे तो मिच्छा में जो ग्रम, आप मेहनत नहीं करते, यहाँ सुन के गए उतना ही हो रहा है। अब इधर लिखो द्रव्य, अब ये दो प्रकार करो। अब इधर हमने दो प्रकार क्या किए हैं, सोत्पन्न सविनाशी, ऐसा लिखो आप। अब ये दूसरा है अनुत्पन्न, अब ये लिखा आपने, बोलो अब इसका उदाहरण कौन है? ये वाला उद्गल, इसका अर्थ क्या हुआ? भी होने वाला है और जिसका विनाश भी होने वाला है, यादि भी होने वाली, अंत भी होने वाला। अभी ये पहले इतना एक शब्द ही ध्यान रखो, सोत्पन्नम उत्पत्ति सहितम इति सोत्पन्नम विनाश सहितम इति सविनाशी, ऐसा द्रव्य जो है ये पुद्गल है, बराबर। और ऐसा कौन है? शाबाश, बराबर, ये आ गए, ये पर्याय आ गए। अब पर्याय, अच्छा अब इसमें देखिए दोनों शब्द आ गए। इधर देखो, इसको हमने लिख दिया शब्दांतरी, है ना, और क्या फर्क है। अब इधर देखो दूसरा द्रव्य, ये एक प्रकार का ऐसा है और ये दूसरे प्रकार का है। अब ना तो उत्पन्न हुआ है ना विनाश हुआ है, आत्मा, बरोबर। अब मतलब उत्पन्न विनाश नहीं होने का मतलब क्या? यहाँ काल बीच में आया क्या? नहीं, इधर काल आएगा, किसके कारण आएगा? हाँ, उत्पाद व्यय के कारण काल की विवक्षा रहेगी। कब उत्पन्न हुआ, किस काल में उत्पन्न हुआ, कब नष्ट हुआ, किस काल में नष्ट हुआ, जैसे ही पर्याय आई या उत्पत्ति द्वारा नाश आया तो काल लागू हो गए। बोलो नियम, बोलो, जैसे उत्पन्न हुआ, हाँ, जैसे विनाश हुआ, हाँ, तो काल काल की विवक्षा वहां पर करनी पड़ेगी। अब इसके लिए उसका ये वाक्य जो बोला इसका उल्टा इधर बोलो, जो उत्पन्न नहीं हुआ और इसका विनाश नहीं होने वाला है उसकी, हाँ, उसमें काल की विवक्षा नहीं, ये बिल्कुल इससे अपोजिट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि ये उत्पाद व्यय वाला है, उत्पाद व्यय बिना का। हाँ, अब उत्पाद व्यय बिना का मतलब अर्थ बोलो, वो बाद में बोलो। उत्पाद नहीं होना, विनाश नहीं होना, इसका मतलब क्या? उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति होनी ही नहीं, नाश होना ही नहीं। उत्पत्ति किस रूप में होगी, कैसे होगी, कोई करेगा तो होगी, कैसे होगी, उत्पत्ति कारक घटक कौन, ये सब विचारना करनी पड़ेगी। तो वैसा जब नहीं हो तब जाकर के ये संज्ञा दी है अनुत्पन्नं द्रव्यम। अब इसका अविना अन्वय व्याप्ति बनाइए आप। जो अनुत्पन्न है, जो अनुत्पन्न है वो अविनाशी है और जो अनुत्पन्न नहीं है वो अविनाशी नहीं है। हाँ, अब इसका इसके साथ उल्टा और सीधा दोनों बना, दोनों बनाने से आपको ये इसके साथ ये इसका, यह अनुत्पन्न शील सैव अविनाशी, यह अविनाशी सैव अनुत्पन्न शील। आप बोलो वैसे, ऐसे मत करो, अब ये फिक्स हो गया। आप वहां जाकर मार्बल पर लिखना है, फिर वापस मिटना नहीं चाहिए, ये मतलब बदलेगा नहीं। अब ये शाश्वत व्यवस्था का नियम है। अब नियम कार्य कारण भाव से दोनों के साथ में हमने परस्पर कर लिया,
तो परस्पर करने से इसका इसके साथ अविनाभाव, अनुत्पन्न का अविनाशी के साथ, अविनाशी का अनुत्पन्न के साथ अविनाभाव संबंध हो गया। यदि अनुत्पन्न है तो ही अविनाशी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि अविनाशी है तो वो अनुत्पन्न ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इससे ठीक इसका उल्टा आ रहा है ख्याल में, तो पहले ये बैठा हो तो ये बैठ जाएगा, ये बैठा हो तो ये बैठ जाएगा, एक दूसरे का विपरीत चल रहा है। क्यों चल रहा है? द्रव्य ही उस रूप में वैसा है। क्यों ऐसा है? आत्मा से पुद्गल सर्वथा विरुद्ध है, विरुद्ध पुद्गल से आत्मा सर्वथा विरुद्ध है। बोलो, आत्मा से पुद्गल सर्वथा विरुद्ध है, पुद्गल से आत्मा सर्वथा विरुद्ध है। क्यों है? क्योंकि उसका कारण यह है, क्योंकि पुद्गल स्वतंत्र नरसा भी नष्ट है और आत्मा अनुत्पन्न भी नष्ट है। गुणों की विपरीतता के कारण द्रव्य एक दूसरे के विरुद्ध है। बोलो, गुणों की विपरीतता के कारण आप लिखते जाओ फटाफट लिखो, और मैं हर मिनट में ये ध्यान रखूंगा। मैं एक मिनट रुकूंगा, आपको बोलूंगा लिखो, फिर लिखेंगे। वहां जाके आप लिखते ही नहीं है कुछ। गुण विरुद्धत्वात् द्रव्याणामपि परस्पर विरोधाभास। परस्पर विरोधाभास, हाँ, गुणों के विरुद्ध। अब गुण एक दूसरे के विरोधी होने के कारण द्रव्य परस्पर आपस में एक दूसरे के विरोधी रहेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर? गुण पर्यायत्वा द्रव्यम, गुण के कारण द्रव्य है, द्रव्य के कारण गुण है। तो यहाँ कार्य कारण भाव की भाषा आपको बैठानी है। तो कार्य कारण भाव में कारण कौन बनाए? गुण। गुण, अब गुण समान सादृश्यत्वात् द्रव्य सादृश्यत्वम्, गुण विरुद्धत्वात् द्रव्य विरुद्धत्वम्। आ गए ख्याल में? दोनों वाक्य लिखो, दो अलग, पहले में हमने वहां पर एक ही लिखा था। हाँ, गुण सादृश्यत्वात् द्रव्य सादृश्यत्वम्, यथा है। हाँ, वो तो पहला वाक्य तो आ गया ना, अब इसका दृष्टा उदाहरण क्या? सभी आत्मा। हाँ बरोबर है, सभी बुद्ध, बिल्कुल सही बात हो गई। क्या लाया? गुण सादृश्य, तो जितनी भी आत्मा है सबके अंदर क्या है? एक सरीखे गुण समान रूप में है, तो द्रव्य की सादृश्यता बन गई। अनंत हो या असंख्य हो या जितनी संख्या हो, क्या बात? नियम कारण क्या है? गुण सादृश्यम, गुण सादृश्यत्वात् पंचमी कारण बनाया हमने। भाई सभी आत्माएं, सभी आत्माएं संख्या में कितनी? अनंत, अनंत है। तो भले ही रहे संख्या में अनंत, लेकिन वो संख्या का अनंत तत्व किसके कारण सिद्ध हो रहा है? गुण के कारण। क्यों गुण के कारण हो रहा है? सादृश्यत्वात्, एक सरीखे गुण की समानता अनंत आत्माओं में एक जैसी है। ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, वीर्य की, एक सरीखी समानता है। अब जितने गुण होंगे उतनी सबकी समानता, कितने गुण है आत्मा के? अनंत है, अनंत गुणों की अस्तित्वगत समानता। अभी बाद में कर्म बाद में लाना, कर्म के कारण आवरण बाद में लाना, तो गुणों का उल्लेख मिलता है ही है, तो उल्लेख क्या मिलेगा? नाम कहाँ से आप ढूंढ के निकालते जाओ? पांच सात नहीं, आप 108 तो बनाए, हमने पाठ कराते थे, साध्वी जी ने 108 नाम लिखे। अब निर्मलता गुण किसका है? पवित्रता गुण किसका है? शीतलता गुण किसका है? समता गुण किसका है? धीरजता गुण किसका है? सरलता गुण किसका है? एक भी पुद्गल के नहीं आएंगे। लिखो ना आप, कम से कम लिखो आप। और फिर प्रत्येक का प्रमाण के रूप में कितना है? जब संगम के सामने महावीर उपसर्ग सहन कर रहे थे, तब महावीर ने ध्यान क्या किया? आत्मा में अनंत गुणी समता पड़ी है,
संगम उपसर्ग करके कितना करेगा, संगम उपसर्ग में अपनी ताकत लगा लगा के कितने लगाएगा। आत्मा में शक्ति अनंत गुनी पड़ी हुई है, समता अनंत गुनी पड़ी है। ये सत्तागत गुण है तो उन्होंने प्रकट किया है, अनुभव किया, उसका नाम ध्यान है। क्या आत्मना सत्तागत गुणानाम उपयोगत्वात अनुभव एव ध्यानम। ध्यान की सौ व्याख्या अलग बनेगी। सत्तागत गुणानाम प्रादुर्भावा भावे भी, सत्तागत गुणानाम प्रादुर्भाव भावा भावे भी, प्रादुर्भाव के अभाव में भी प्रतीति अनुभूति करना, उपयोग भावत्वेन अनुभव करणीयम एव ध्यानम। क्या अर्थ हुआ, बोलो, हिंदी बोलोगे तो बोलिए। आत्मा के सत्ता में रहे हुए, सत्ता में यानी बरोबर यानी मत करो भी। आत्मा के सत्ता में रहे गुणों का प्रादुर्भाव यानी प्रकटीकरण के अभाव में, प्रकटीकरण की अविद्यमानता में भी उसकी प्रतीति उपयोग भाव से करना। अविद्यमानता मत बोलो, विद्यमानता अविद्यमानता क्या लाया, उत्पत्ति के अभाव में। हाँ, उत्पत्ति के अभाव नहीं, प्रगटीकरण के प्रादुर्भाव के अभाव, मतलब प्रगट न होते हुए भी उसके उपयोग भाव से प्रतीति करना, अनुभव करना, उसे कहते हैं ध्यान। बरोबर है, बोलो भाव से, बोलो मुड़ो खोलो से। आत्मा के सत्ता में रहे गुणों का प्रगटीकरण के अभाव में, गुणों का प्रगटीकरण न होते हुए भी गुणों का उपयोग भाव से अनुभव करना, ये ध्यान है। ध्याने किम करणीयम, किमर्थम ध्यानम, किम प्रयोजनम ध्यानस्य। महावीर ध्यान में नहीं रहते तो संगम के उपसर्ग के टाइम में रोते चिल्लाते रहते। अरे बात समझ में, अब ध्यान किया तो महावीर ने क्या किया, आत्मगत सत्तागत गुणों का अब प्रगटीकरण तो नहीं है। क्यों नहीं है, कर्म का आवरण लेप है। तो सत्तागत तो पड़े ना, कर्म के आवरण ने गुण नष्ट नहीं किया, ये द्रव्यानुयोग का विषय ध्यान में रखो। पर पुद्गल द्रव्य का बना हुआ पिंड जो कर्म उदय में कर्म आया है तो वो आत्मा के मूलभूत गुणों का नष्ट नहीं करता है। नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, शाश्वत सिद्धांत क्या है, द्रव्य के गुण संपूर्ण नष्ट कभी होते ही नहीं है। पर द्रव्य के आवरण से आच्छादित हुए ढके हैं। अब बोलो नियम, बोलो लिखो जल्दी। आत्मा द्रव्य के, सभी द्रव्यों के एक ही नियम है लेकिन आवरण सिर्फ आत्मा के ही हो रहे हैं ना, इसलिए सामान्य रूप से सभी द्रव्यगत नियम लिखो। किसी भी द्रव्य के सत्तागत गुण कभी भी नष्ट होते ही नहीं है। यहाँ पर ही लगाना एवकारस्तु अनिवार्य, कभी भी नष्ट होते ही नहीं है। यह सर्व सामान्य नियम सभी द्रव्यों को एक सरीखा लागू होता है। एक समान लागू होता है। हाँ, अब लिखो विशेष रूप में आत्मा का, हाँ अब यही बोलो, बैठा हो यही। आत्मा की सत्ता के गुण हाँ होते नहीं है और ये सर्व नहीं, फर्क करेगा, फर्क आएगा। आत्मा के सत्तागत गुण पर पुद्गल द्रव्य से आवृत्त होते हैं, ढकते हैं, नष्ट होते नहीं है। आत्मा के सत्तागत गुण पर पुद्गल द्रव्य के आवरण से, ढकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। हाँ, लेकिन नष्ट कभी होते ही नहीं है। हाँ, बस अब जो पर पुद्गल द्रव्य का आवरण बनता है उसी का नाम कर्म है। अब लिखो पहले, इधर उधर मत,
आपने को चोटी पकड़े ने रोड लगा होना बस के आवरण जो होते हैं उसी कारण कर्म। हाँ उससे कर्म संज्ञा दी गई है। बात क्या है, कर्म को भी पहले आप हर विषय को द्रव्यानुयोग पढ़ने का मतलब क्या है जी, सब विषयों को ला करके इस द्रव्यानुयोग का आयना दिखाएंगे आप। द्रव्यानुयोग है क्या, ये सब विषयों की चाबी है। क्यों पढ़ते हैं हम सब विषयों की चाबी? हाँ, अन्य जितने दर्शन, अन्य जितने विषय वो सब, लेकिन द्रव्यानुयोग की सबसे बड़ी बात क्या है, समझना एक एक नियम जो है, क्योंकि सभी नियम शाश्वत नियम बनेंगे। द्रव्यानुयोग के आधार पर ही शाश्वत नियम बनेंगे और वही सिद्धांत कहलाते हैं। और वो कैसे सिद्धांत हैं, चरम सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत। अब वो बदलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अब उसके आधार पर सब शास्त्रों की व्यवस्था होगी। किसी को जो बनाना हो बनाओ, कर्म शास्त्र बनाना है तो भी बनाओ, लेकिन ये नियम आप नहीं तोड़ेंगे, इन नियमों के आधार पर आपका कर्म शास्त्र बनेगा। क्या लायक नहीं, तो कर्म शास्त्र की बात कहां से आई, मूलभूत आधारभूत द्रव्य कौन, इधर ये द्रव्य और ये द्रव्य, इधर कौन किसका नाम है, ये ये सोत्पन्न सविनाशी द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य आया किसके ऊपर, अविनाशी द्रव्य, अनुत्पन्न अविनाशी द्रव्य पर आया। तो अनुत्पन्न अविनाशी जो द्रव्य, उसके अपने मूलभूत गुण तो है ही ना, तो ये पुद्गल आकर उसको नष्ट करेगा क्या? हमने ये दो नियम अलग क्यों किए, आकाश धर्मास्ती का है, धर्मास्ती का है अलग द्रव्य, उन पर कोई पुद्गल आकर के आवरण लगाता ही नहीं है। हाँ, अब ये बात आई, अब कार्य कारण भाव बैठाना पड़ेगा। अभी नियम क्या हुआ, अभी नियम क्या हुआ, आप परसों का प्रश्न एक साइड में याद रखना, अभी एक बार इसको स्पष्ट कर लो। नियम क्या हुआ, नहीं नियम ये जो आकाश धर्मास्ती का अधर्मास्ती का द्रव्य है, इन पर द्रव्य, इनसे भी तो पर कौन है, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल उनसे भी पर है। तो वो पुद्गल द्रव्य रहता आकाश में ही है, लेकिन आकाश को संबंध से ढकता नहीं है, उसके गुणों को ढकता नहीं है। आकाश के अवगाहना प्रदायक गुण है, अब अवगाहना प्रदायक गुण को पुद्गल नहीं ढकता है। आकाश के अनंत प्रदेश में से किस प्रदेश को पुद्गल द्रव्य ने ढक दिया, किसी को, ताकि किसी के पुद्गल द्रव्य के कारण ढकने से उस आकाश प्रदेश की अवगाहना किसी को नहीं मिलेगी, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पुद्गल द्रव्य आकाश द्रव्य को क्यों बंध संबंध से बांधता नहीं है, वहां बंधता नहीं है। ठीक उसी तरह से धर्मास्ती काय के साथ अधर्मास्ती काय के साथ भी बंधता नहीं है पुद्गल, तो पर पुद्गल द्रव्य भी आकाश धर्मास्ती काय अधर्मास्ती काय तीनों के गुणों को आवृत्त नहीं करता है, ढकता नहीं है। परम आत्मने उपरि पर पुद्गल द्रव्यस्य आच्छादनं भवति स्पर्श बद्ध संबंधं भवति तद अनुरूपेण आत्म प्रदेशानां पर पुद्गल द्रव्यस्य संक्रमणत्वात् आच्छादनत्वात् आत्मगुणानां आवरणं भवति। अब उसको कारण लेकर के ढूंढने का काम कर्म ग्रंथ का है। यहाँ द्रव्य द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है, ये हो रहा है, अब इसको आपको दिखाना है। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श जो गुण है, और वो आत्मा के प्रदेशों के साथ, और आत्म प्रदेशों में गुण है ज्ञान दर्शन आदि, तो वो आकर के उसके ऊपर ढक रहे हैं। ये अभी हमने यहाँ पर देखा, ये आत्मा है और ये आत्मा के प्रदेश है। अब इन प्रदेशों में जो उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण, अभी क्या देखा था द्रव्यानुयोग के विषय में, प्रदेश कितने हैं, असंख्य, एक एक प्रदेश में गुण कितने हैं, अनंत, ज्ञान दर्शन आदि गुण अनंत। अब यहाँ से इसके भी पुद्गल के परमाणु आएंगे कितने, अनंत आएंगे। अब जितने ये अनंत आएंगे, तो यहाँ के अनंत गुण पर ही उसका आवरण बना,
अब ये इधर आकर के इस पर छा गया, अब ये छा गया तो इसने जो है किसको ढका है, गुण को ढका है। नियम ध्यान में रखना, गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर पुद्गल द्रव्य के परमाणु अनंत भी आ जाए तो भी द्रव्यगत मूलभूत गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा क्या बोलेंगे, किसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, अरे वो तो हो गए ना बात। हाँ, अब दूसरा प्रदेश को भी नष्ट नहीं, हाँ आत्मा के जो असली के प्रदेश रहे हुए हैं, आत्मा के एक भी प्रदेश को अनंत पुद्गल के परमाणु इकट्ठे होकर के भी अनंत काल में भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब ये बरोबर लिखना, एक शब्द इधर उधर मत करना। हाँ आत्मा का पहले गुण का लिखो, बाद में प्रदेश का लिखो, दो द्रव्य गुण पर्याम तीनों यहाँ पर साथ रहे ना, आपको खुलासा करने के लिए। आत्मा का गुण, आत्मा के अनंत गुण को, हाँ पर द्रव्य के, पर पुद्गल द्रव्य का, पर पुद्गल द्रव्य का अनंत प्रवेश भी, के अनंत प्रवेश द्रव्य भी आत्मा के गुणों को घटता है, नष्ट नहीं करता। आत्मा के गुणों को अनंत काल में भी कभी नष्ट कर ही नहीं सकता है। हाँ, अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे अनंत काल में समूल नष्ट कर ही नहीं सकते हैं। स्वरूप रचना की सादृश्यता, पंचानाम अपि द्रव्याणाम द्रव्यगत रचना रूपेण सादृश्यत्वात् पंचानाम द्रव्यत्वं साध्यते। अब बोलते जब पहले आज द्रव्यों की सादृश्य बने होने से आज द्रव्य को शब्द छोड़ा आपने, पंचानाम द्रव्याणाम अपि साध्यते। पंचाणाम अपि द्रव्याणाम प्रदेश रचना समूहत्वात् सादृश्यत्वात् सर्व द्रव्याणाम द्रव्यत्व जाते समान रूप है। पांचों द्रव्य को द्रव्य क्यों कहेंगे आप, क्योंकि पांचों द्रव्य के अंदर द्रव्यत्व जाति समान रूप से नहीं, अभी वो मत लो पहले, द्रव्यत्व जाति का कारण लेना है। रचना रचना रूपेण, रचना किसकी कैसी है, प्रदेश समूहात्मक रचना, प्रदेश समूहात्मक रचना, तो प्रदेश समूहात्मक रचना के कारण पांचों द्रव्यों की द्रव्यत्व जाति समान रूप से बनती है। सबको द्रव्य कहना कि नहीं कहना, हाँ रचना के कारण, रचना के कारण पांचों द्रव्यों की द्रव्यत्व जाति समान रूप होने से द्रव्य कहलाते हैं। ये हमने इसका नाम दिया है आकाश, और ये नाम दिया था हमने आत्मा का। अब इधर देखो, आत्मा में और आकाश में पहले ध्यान का रखना है, द्रव्य स्वरूप में क्या फर्क है। द्रव्य रचना के द्रव्य स्वरूप मतलब प्रदेश समूहात्मक पिंड, अब प्रदेश समूहात्मक प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, ख्याल है, प्रदेश समूहात्मक रचना। अभी हमारा लक्ष्य किस पर है, द्रव्य साधने,
द्रव्य साधने के लिए जब हम कहते हैं तो ये भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, धर्मास्ती काय भी द्रव्य है, अधर्मास्ती काय भी द्रव्य है, खुदगलत भी द्रव्य है, तो अस्थि काय कान उसको भी अस्थि काय कहने से क्या हुआ था, उसका भी काय शब्द जोड़ा है तो काय से प्रदेश समूहात्मक पिंड खुदगल के भी अरे वो होते रहते हैं, वो बात भी बात है कि नहीं, पहले है तो रत्न कैसे नहीं होगी, तो रत्न ही नहीं होगी, पुद्गल द्रव्य नहीं बनेगा, वो उसकी विशेषता है, अलग विशेषता। क्या विशेषता है? पिंडी भाव होने के बाद भी निकलेंगे कैसे? अरे भाई पिंडी भाव स्कंद रूप में बस स्कंदेश। हाँ तो उसमें क्या विशेषता, इन चार से पुद्गल में एक ही बात की विशेषता है, बरोबर। क्या विशेषता है? इधर उधर मत जा, बात किसकी चल रही है अभी? द्रव्य स्वरूप के प्रदेश की। तो प्रदेशों का संगठन विघटन, प्रदेश का अलग होना ही पुद्गल की विशेषता है, बरोबर। अब एक भी प्रदेश का अलग न होकर पिंडी भाव में अखंड रूप से रहना, ये चार द्रव्यों की विशेषता है। आप दो नियम अलग अलग बनाओ, प्रदेशों का अलग होना ही पुद्गल की विशेषता है, स्कंध से अलग होना, स्कंध से अलग होना। ये पुद्गल में विशेष रूप से, विशेषता मतलब क्या, ये पुद्गल में विशेष रूप से है। अब इसका अभाव लिखो सामने चार में, बाकी के चार द्रव्यों में। हाँ स्कंध में प्रदेश अलग नहीं होता है, स्कंद से प्रदेश का संगठन विघटन नहीं होता। दूसरा मत लिखो इधर उधर, संगठन विघटन तो कुछ मिलो, अलग न होना ही चार द्रव्य की विशेषता है। हाँ ये बात, अलग न होने के कारण वो अपने प्रदेश समूह के पिंड में अखंड रूप से रहेगा। अब लिखो लिखो पहले आगे लिखो, मैंने पुस्तक बंद करके रख दी एक बाजू। अखंड प्रदेश का असंख्य मतलब समस्त प्रदेशों के साथ, समस्त प्रदेशों के साथ, हाँ पिंडी भाव से अखंड रूप में रहने से अलग नहीं होते हैं। पिंडी भाव में रहने से अलग नहीं होते, अखंड रूप रहने से कभी भी अलग होते ही नहीं है। अब ये शाश्वत का नियम आ गया, शाश्वत नियम उनके साथ बैठ गया। अब ये इधर देखिए आप, ये दो शब्द कहां से आए? ये दो शब्द कहां से आए, क्यों आए? अब ये अखंड शब्द है और ये, तो ये एक दूसरे के विरोधी हुए कि नहीं हुए? तो विरोधी क्यों हुए? तो ये खंड शब्द आया पुद्गल के लिए और ये अखंड शब्द आया चार द्रव्यों के लिए। क्यों आया ये? प्रदेश पहले द्रव्यानु का स्वरूप देखो, एक भी प्रदेश अनंत काल में अलग कभी होता ही नहीं है, इसलिए अखंड शब्द का प्रयोग इन चार द्रव्यों में करोगे। खंडित होता ही नहीं है, अखंड ही रहता है, इसलिए अखंड शब्द का प्रयोग चारों द्रव्यों के प्रदेश समूह में करेंगे। तो आप द्रव्य रचना, द्रव्य की व्याख्या बनाने में करेंगे, आप भूल गए क्या? एक अखंड असंख्य प्रदेशी पिंड स्वरूप आत्मद्रव्य, ये नहीं लिखिए बात, आप जब आएगी तब लिखना। अब द्रव्य स्वरूप, ये आत्मा की बात क्या चल रही है? द्रव्य स्वरूप, द्रव्य स्वरूप इट डिपेंड्स इन द पर्टिकुलर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। द्रव्य स्वरूप जो है पदार्थ की रचना के
आधार पर द्रव्य स्वरूप की बात की जाएगी, गुणों के आधार पर ज्ञान दर्शन आदि से जो बात की जाएगी वो गुण स्वरूप की बात होगी, और बदलती पर्यायों के साथ जो बात की जाएगी वो पर्याय स्वरूप की होगी। अभी हम क्या बात सिद्ध कर रहे हैं? द्रव्य स्वरूप की। द्रव्यत्व अगर उसको सिद्ध करना है, द्रव्य स्वरूप सिद्ध करना है, तो प्रदेश समूहात्मक पिंड, और प्रदेश समूहात्मक पिंड से उसकी रचना सिद्ध हो रही है, तो ये रचना सिद्ध करने के लिए आपको प्रदेश समूहात्मक पिंड चाहिए। तो प्रदेश समूहात्मक स्वरूप आत्मा का कैसा है, आकाश का कैसा है, धर्मास्तिकाय का कैसा है, अधर्मास्तिकाय, तो चारों का एक सरीखा एक समान, क्या समान है? प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड बना समान है। हाँ, अब क्या फर्क है? प्रदेशों की संख्या में फर्क है बस। वो भले प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा हो, लेकिन अखंडत्व पिंड रूप में बरोबर बना है। किसमें? हाँ, आकाश में अनंत है, और धर्मास्तिकाय आत्मा में असंख्य है, लेकिन प्रदेश की संख्या भले ही कम ज्यादा हो, इनका अखंड पिंड स्वरूप समान। तो अखंड पिंड स्वरूप कहने से क्या मतलब हुआ? अनंत अनंत काल में भी एक भी प्रदेश खंडित होकर अलग नहीं होगा। इसी कारण से परमाणु भेद नहीं पड़ता है। परमाणु के बाद अभी अभी चार की बात चल रही है, तो बीच में ये नहीं आना चाहिए। अभी इन चार की बात चल रही है अखंड रूप। जब खंड होकर के प्रदेश अलग खंडित नहीं होता है, तो वो अखंड रूप में ही रहता है। इस अखंडितता के कारण चारों द्रव्यों की अखंड रूप अस्तित्व बना रहे। महाराज साहब ये तकलीफ है, यहाँ तो एक एक वाक्य शाश्वत सिद्धांत है, इसी को समझना है। ये द्रव्यानुयोग का मतलब ही है। आप रोज 1.25 किलो बादाम खा के आना, नहीं तो नहीं चलेगा, पार्टी नहीं चलेगा। हाँ, अब ये इसके बिना रास्ता ही नहीं है इसका कोई। अब फिर आप सेब चिवड़ा खाखरा खाओगे तो ये नहीं चलेगी। हाँ जी, हम जाए थे थोड़ो। हाँ, अब ये हमको पहले बैठना पड़ेगा बात। तो ये जो है कैसे अखंडितर, एक एक शब्द उसके लिए सहयोगी उपयोगी बन रहा है। एक शब्द, अब एक शब्द गणित में एक अंक का संख्या, दो की जगह पर तीन नहीं लिखोगे, तीन की जगह पर दो नहीं लिखोगे। आपने दो की जगह तीन लिखा तो 200 के बदले 300 देने पड़े। यहाँ पर भी गणित से ज्यादा जो है कठिन है ये भाषा। तो गणित में तो सीधा अंक ही है, आपने अंक को सुधार लिया, हो गई बात। यहाँ तो पूरे सिद्धांत की वाक्य रचना में नियम जो बनता है उसके एक एक शब्द महत्व। तो अखंडत्वात् अखंडत्वात् अस्तित्वम्, क्या ले, प्रदेशों समूहों का अखंड रूप में बना रहना। अब अगर वो खंडित हो जाए तो अस्तित्व नहीं रहेगा, तो कालांतर में नष्ट हो जाएंगे। तो आत्मा के प्रदेश तो है कितने? असंख्य। अब काल कितना है? अनंत। और एक एक पर्याय में जीव गया कितनी बार? अनंत बार। नरक में जीव गया कितनी बार? अनंत बार। और अनंत बार के नरक के अंदर एक एक बार के उसकी वेदना पीड़ा में छेदन भेदन के अंदर एक एक प्रदेश भी नष्ट हो जाए तो आत्मा तो असंख्य काल में ही नष्ट हो जाएंगे। जब प्रदेश बिखर जाएंगे, एक एक प्रदेश नष्ट होकर के अलग हो जाएंगे, बचेगा क्या, रहेगा क्या? फिर क्या बचेगा, फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अनंत अनंत बार भी नरक की छेदन भेदन की वेदना पीड़ा सहन करके भी, छेदन भेदन मतलब हाथ पैर काट करके इधर के उधर फेंक दिए, तो भी क्या फर्क पड़ा आत्मा को? आत्मा का अखंड अस्तित्व बना रहा, तब अनंत काल तक आत्मा का अस्तित्व बना रहा, आकाश का अस्तित्व अनंत काल तक बना रहा, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व अनंत काल तक बना रहा। ये द्रव्य कैसे हैं यहाँ पर? अभी बरोबर, अब ये कैसा है? अभी इधर देखो, पहले ये शब्द किसके आए? पदार्थ गत स्वरूप के शब्द आए।
अब इसी को हमको काल में लिखना है। काल मापक द्रव्य है, अब काल मापकता के साथ इसको लिखो, अब कितना फर्क पड़ेगा, कैसे लिखेंगे बोलो। अब दोनों के बोल नहीं है आपको, पहले बोलो कि बाद में बोलो। अब ये पहले ये बात हो गई, ये द्रव्यगत स्वरूप की बात हुई, अब इसको हम काल की भाषा में लिखते हैं। बोलो, काल के परिवर्तन से, अभी उधर उधर में कारण भाव नहीं बोलना है, काल से उत्पाद ये होता है, काल से द्रव्य में उत्पन्न, काल से द्रव्य में उत्पन्न होता है। इधर उधर मत जाओ, लिखो। चलो, ये द्रव्य कैसा है, सादी शांत है, एक शब्द की बात है यहाँ पर, ये द्रव्य, तो ये द्रव्य अपने आप में कैसा हुआ आपको, और ये इसका अपोजिट इधर लिखो, तो ये द्रव्य कैसा है, अनादि अनंत। बात तो दोनों की द्रव्य स्वरूप में ही है, बोलो क्या समझ में आया, क्या लिखा आपने, अभी इधर देखो ध्यान से, कारणत्वात् कार्य, इस कारण से ये, इस कारण से ये, अब कारण क्या बना है इसका और इसका, दोनों का समझ करके बोलना, उत्पन्न होने से शादी होती है, दोनों बोलो, दोनों साथ में बोलो, स्वोत्पन्न और सविनाशी कारण से शादी और शांत द्रव्य होता है, स्थिति वाला द्रव्य, और अनुत्पन्न और अविनाशी होने से अनादि और अनंत कार्य स्थिति वाला द्रव्य होता है। बस बोलो, उत्पन्न और विनाशी होने के कारण से, उत्पन्न और नाश होने के कारण द्रव्य शांति वाला होता है। बस है, हाँ ये बोलो, अनुत्पन्न और अविनाशी, उत्पन्न नहीं होना और नाश भी नहीं होना, हाँ उसके कारण द्रव्य अनादि अनंत स्थिति वाला है। बस अब ये लिखना है आपको, ये अब इसकी जब बात आएगी तो ऐसे कितने द्रव्य और ऐसे कितने द्रव्य, अब वो हमको द्रव्यों में से ढूंढ के निकालना, पहले ये नियम तो नक्की हो गया जी, कार्य कारण भाव से सिद्धांत बैठ गया, अब उसमें से आप ढूंढ करके निकालोगे ये द्रव्य ऐसा है, ये द्रव्य ऐसा है, और सबके साथ पांचों द्रव्य, पांचों के साथ ये पहले घटाना पड़ेगा। अब इससे आपको एक बात और स्पष्ट हो जाएगी कि काल क्यों द्रव्य नहीं है, ये काल कैसे जो है मापक बन गया, साधन बन गया, खुद काल ऐसा नहीं है, काल में द्रव्य ऐसे हैं, खुद काल द्रव्य नहीं है, हाँ खुद काल ऐसा द्रव्य नहीं है, ये बात आपको ख्याल आएगी। अब ये चर्चा अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है, तो फिर दूसरा चर्चा, हाँ तो अब अस्थि कायात्मक मानना है ना उसको, तो अस्थि कायात्मक मानने के लिए उसके प्रदेश मानना पड़ेगा, प्रदेश समूह मानना पड़ेगा, सब बात मानना, वो जो जिस दृष्टि से बैठाते हैं उनकी बात अलग, कोई अस्थि कायात्मक मानता है, एक अस्थि कायात्मक, एक दिगंबर ऐसा मानते हैं, फिर क्या करना, अब वो बात अलग हो गई, अब उन्होंने बात बैठाई है, तो जो द्रव्य रचना के लिए अभी क्या हमने नियम किया है, प्रदेश समूहात्मा पिंडत्वेन अस्तित्वम, तो प्रदेश समूहात्मा पिंडत्वेन अस्तित्वम, ये द्रव्य की व्याख्या काल में बैठाओ, अब काल के प्रदेश कहां से लाओगे और प्रदेशों का समूह कैसे लाओगे, फिर अखंड कैसे लाओगे, फिर उसका अस्तित्व, अब ये बैठाएंगे तो अभिवक्षा कर लोगे, वो बनाएंगे, बैठा के बनाएंगे, अब उनको उनको अस्थि कायात्मक द्रव्य बनाना है, अब यहाँ अस्थि काय बना है नहीं, तो बनाने के लिए उनको कोई ना कोई व्यवस्था बैठानी पड़ी, तो काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, काल गणना कारक मापक है,
तो गणना का आधार कौन से लिया? आधार आदेय भाव संबंध से सूर्य चंद्राणाम गतित्वा देव कालमापनम। अब हो गए ना द्रव्य के रूप में उसकी विवक्षा करके व्यवहार किया। व्यवस्था कारक द्रव्यमान वर्तन लक्षण स्वरूप में है ना। फिर बात आई अस्तित्व स्वरूप किसका है पहले ये नक्की करो। ये हमने किसका नक्की किया अस्तित्व स्वरूप के लिए क्या होना जरूरी है? प्रदेश समूहात्मक उसी को काय कहते हैं। प्रदेश समूहात्मक बना होना जरूरी है तो वो द्रव्य है तो काल में कैसे बैठाना तो फिर द्रव्य क्यों है? अब वो व्यवस्था बस वर्तन लक्षण से काल को अभी वो विषय आवे तो चर्चा नहीं करता। मैं द्रव्य का अस्तित्व तो बोल नहीं पर आपका जो जनन द्रव्य मन में नियम ही ये है। इसी नियम से द्रव्य तो सिद्ध होता है नहीं तो नहीं होता है। क्यों रखा अस्थिकाय शब्द क्यों रखा? लिख रहे हैं ना लिख रहे हैं बरोबर है काल द्रव्य लिख रहे हैं व्यवस्था के कारण नहीं हाँ बरोबर काल काल को द्रव्य सिद्ध करोगे तो प्रदेश समूहात बने से ही सिद्ध करोगे जिनके कारण ये सभी पांचों द्रव्य सिद्ध हो रहे हैं उसी तरीके से उसको द्रव्य को सिद्ध काल द्रव्य को सिद्ध करोगे। नियम तो सबके लिए एक ही लगेगा। द्रव्यानुयोग का नियम एक सरीखा सबके लिए है नहीं लग रहा है इसलिए काल को अस्थि कायात्मक नहीं कहा। सौ बात की एक बात अब उसको अस्थि कायात्मक द्रव्य मत बोलो। बात इतनी सी आई बस वर्तना लक्षण काल ये नियम नहीं लगा करके द्रव्य बोलो बस ये नियम अस्थि काय ये अस्थि कायात्मक है। अब अस्थि कायात्मक नहीं लगा रहे तो अस्थि कायात्मक बस अब है जो है वर्तना लक्षण से उसको द्रव्य का व्यवहार किया है बरोबर है। अब वहां निश्चय नहीं की व्यवहार नहीं की बात अलग हो जाएगी वर्तना यानी परिवर्तन बस। अब यहाँ पर क्या है कि काल का अस्तित्व पर द्रव्य से गतित्वात् मापकत्वमेव सिद्ध्यते। पर द्रव्य अखंड अखंड रहना मतलब द्रव्य का अस्तित्व अखंड नहीं चाहिए पर की गति की अखंडता के कारण तो ऐसी अखंड पर की गति किसकी लाना तो सूर्य की क्यों स्वाभाविक ही गति है तो सूर्य की गति में कभी भी कम ज्यादा पना नहीं आ रहा बस बाकी की गति में न्यूनाधिकता यहाँ संभावना बाकी मतलब ग्रह नक्षत्र तारा आदि तो ग्रह नक्षत्र तारा आदि की गति में अखंड एक सादृश्यत्वात एक सरीखापन नहीं है। ख्याल है अभी एक अखंड सादृश्य न होने के कारण एक सरीखी गति नहीं। आप कैसे एक सरीखी का मतलब आज की तारीख क्या है 31 अगस्त 2020 आप 31 अगस्त 4020 के टाइम पर भी आज जितने बजे सूर्योदय हुआ है उतने ही समय पर सूर्योदय होगा। आज 2020 और 4020 आएगी तो सही ना तो 2000 साल के बाद आएगी 2000 साल के बाद भी सूर्योदय 31 अगस्त को इसी समय होगा जो आज हो रहा है वो उस दिन हो रहा है क्योंकि बीते हुए भूतकाल में इतने वर्षों तक यही ऐसे ही होता रहा है। अब गिनो आप समझे कि नहीं। अब आप नमिनाथ भगवान को हुए कितने बरस हो गए 5000 वर्षों के ऊपर बीत गए। नमिनाथ भगवान को हुए कितने 80000 वर्षों के ऊपर बीत गए। मुनीश्वर स्वामी को हुए कितने 1,00,000 वर्षों के ऊपर बीत गए। तो 1,00,000 वर्षों के अंदर सूर्योदय होता रहता था कि नहीं सूर्योदय तो होता ही था कि नहीं था तो उस समय ये तारीख कैलेंडर नहीं था तो तिथि तो थी भादरवा सुदी तेरस भादरवा सुदी 14 तो भाद्रपद सुदी तेरस के दिन सुबह सूर्योदय कितने बजे हुआ था
अब उस समय तो घड़ी मापक यंत्र नहीं था, सो छाया से करते थे, और आज हम कर रहे मापक यंत्र घड़ी बनाई, तो मापक यंत्र को उसी के साथ जोड़ करके उसका लेवल मैच किया। तो आज जितने बजे सूर्योदय हो रहा है वो 1,00,000 बरस के पहले मुनि सूरत स्वामी के समय में भी उतने ही बजे हो रहा था। अब वो आगे बहुत भारी आपत्ति है, क्या लाएंगे आगे, पहले करना है प्रदेश, लाएंगे किसके वहां पर, किसके प्रदेश लाना है, क्या लाएंगे वो करेंगे ना। तो जब द्रव्यानुग युग इतना बड़ा शास्त्र है तो चलेगा, क्या लगे अब ये साल 2 साल चलने वाला है, तो आप अभी कह दो कि भाई उसी के सब विषय आज ही पूरे हो जाए, ये तो संभव नहीं। अब अभी हम क्या सिद्ध करें, आज पहले विषय ये बात ना, अब कार्य कारण भाव, अस्मात् कारणात् एतत् स्वरूपम कार्यम, अस्मात् कारणात् एतत् स्वरूपम कार्यम, अनुत्पन्नत्वात् अविनाशी, ये किसके साथ है, द्रव्य के साथ, द्रव्यस्य उत्पत्ति नैव सिद्ध्यति, द्रव्यस्य विनाशोपि नैव सिद्ध्यति, उत्पत्ति विनाशानां सर्वथा अभावत्वेनैव द्रव्यस्य अनादि अनंत अस्तित्वं स्वीकरणीयमेव। तस्मात् संपूर्ण विरोधी रूपेण एतादृश द्रव्यस्य उत्पत्ति भवति नाशोपि भवति, तस्मात् कारणात् एतादृश द्रव्यं सादि शांत एव सिद्ध्यति। बोलो अब 4 लाइन बोलना है। उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से और अविनाशी होने से सादि और शांत जो है द्रव्य की व्यवस्था होती है। पहले से उत्पन्न अविनाशी शब्द मत बोलो, कार्य कारण भाव से बोलो। जब उत्पन्न ही नहीं हो रहा है पदार्थ, इसलिए वो अनुत्पन्न है। तो उत्पन्न नहीं हो रहा है इसलिए वो अनुत्पन्न है, और जो इसका विनाशी नहीं हो रहा है, जो नष्ट ही नहीं होता है वो विनाशी गुण हो गया, नष्ट क्रिया हो गई, तो नष्ट ही नहीं हो रहा है इसलिए वो जो है अविनाशी द्रव्य है। ऐसे अनुत्पन्न अविनाशी, ऐसे अनुत्पन्न अविनाशी द्रव्य की अनादि और अनंत काल तक स्थिति रहती है। अभी इधर देखो, अनुत्पन्न और अविनाशी ये जब हमने देखा, तो इधर देखो ये अस्तित्व आपने यहाँ इसके बीच में लाया, क्यों अस्तित्व क्यों रहा, उत्पन्न एक दिशा ये और एक दिशा ये, अब इन दो के बीच में आपको ये लक्ष्य रखना है। अब ये मैं यहाँ पर मान लो कि ये रेखा खींचता हूँ, अब ये रेखा मैंने यहाँ खींची, चल है, और ये रेखा मैंने यहाँ खींची, अब इस रेखा में और इस रेखा में फर्क क्या है, इसमें और इसमें बोलो, ये वाली और ये वाली, ये जो सूचक है इसके, ये क्या बता रहा है, स्टार्टिंग, और इसके अंदर न तो यहाँ पर कुछ है न इस किनारे पर। अब आप ये चलती जाए खींचते जाओ कितने भी खींचो, तो इसके अंदर ये आपको दिखाना है, उत्पत्ति सदा होती ही नहीं, अंत नाश कभी होता ही नहीं, यहाँ नश धातु से बना है ना, तो नश धातु का पहले प्रयोग, पदार्थ नष्ट होता ही नहीं है इसलिए अविनाशी, पदार्थ कभी उत्पन्न होता ही नहीं है इसलिए अनुत्पन्न है, कार्य कारण भाव बैठ गया। ये आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे, प्रत्येक वाक्य रचना में कार्य कारण भाव, ये द्रव्यानु योग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसके कारण ये, अब इसमें 2 कार्य कारण भाव हो गए, तब ये शब्द आए अनुत्पन्न अविनाशी शब्द कहां से क्यों आए, क्योंकि उत्पत्ति कारण और नाश कारण, तो इसके अब ऐसे ऐसे द्रव्य ऐसे होते हैं, अनुत्पन्न अविनाशी द्रव्य अनादि अनंत होते हैं। ये किस में आया है, काल मापकता में, ये हमने काल की मापकता में लिए है। अब इसको तो ये क्या बना, 2 के बीच में ये अस्तित्व, अब यहाँ पर अगर आप बरोबर समझ में आ गया, तो ये जो है अस्तित्व किसके कारण बना है, ये अस्तित्व जो बना है, तो इसका नाम दे करके इसको आप इस काल में दो,
अब ये यहाँ पर किसके था, वस्तुगत अस्तित्व, द्रव्यगत अस्तित्व, ये क्या बना है, कालगत अस्तित्व। जब मूलभूत कारण रूप में वस्तुगत अस्तित्व रहेगा तो ही काल में अस्तित्व बना रहेगा। मूलभूत कारण हाँ, बस तो काल का तो बाद में आएगा, वस्तुगत पहले आना जरूरी है। वस्तु स्वरूप गत द्रव्य का अस्तित्व जो है वो नहीं होगा तो काल क्या करेगा। काल कारणीभूत द्रव्य नहीं है, काल आधारभूत द्रव्य है, मापक आधार में वो काल में जाएगा। तो इतने लंबे काल तक वस्तु का अपना अस्तित्व बरोबर बना रहा है, इसलिए वो अब इस द्रव्य को आपको ये संज्ञा देनी कि नहीं देनी। अब ये न देकर हम इसको ये शब्द दे दें तो यस्य कालस्य व्यवहारो न भवति अकाल द्रव्यम्, क्या लायक नहीं। अब जब वो उत्पन्न ही नहीं होता है, नष्ट नहीं होता, तो काल का व्यवहार बीच में आया कहां पर। जिसके बीच में, जिसके अंदर आकर के काल कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्थिति काल में रहती क्या। अब वो काल में रहेंगे, उनमें काल नहीं रहेगा, वो काल में रहेंगे, वो काल में रहता है। वो काल में नहीं रहेंगे ना, काल ये पदार्थ ऐसे पदार्थ काल में जाए करके सदा काल बने रहेंगे। कोई भी काल हो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जब उत्पन्न नाश कुछ होना ही नहीं है तो क्या तकलीफ है। लेकिन अनुत्पन्न अविनाशी ऐसे द्रव्यों के बीच में काल आकर के बाधक नहीं बनेगा, वो कुछ उनका बिगाड़ेगा नहीं, कुछ उनका करेगा नहीं। चल है कि इसमें क्या है, सोत्पन्न अविनाशी में हमेशा ही काल बीच में आ रहा है, तो हमेशा ही काल बीच में आ रहा है तो काल इसका बिगाड़ेगा। तो सारी व्यवस्था उत्पन्न हुआ कब हुआ, कब हुआ, अब वो हर समय उसका व्यवहार काल में होगा। अब सभी लोग जो है अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं, मैं उस दिन उत्पन्न हुआ था। अब वो कौन सा दिन था तो तारीख वार लाओ भाई, अब उस दिन को तो उसने अपनी उत्पत्ति, अब ये समझना चाहिए उत्पत्ति के साथ में नाश भी। हाँ तो वो बाद में दूसरे मनाएंगे, ये तो उत्पत्ति दिन तो खुद मनाता है ना अपना, अब उसको बोलो अपना ही विनाश नष्ट दिन भी मनाओ भाई, क्या लगे ना, तो पहले से मनाओ, शुरुआत करो। आप बोलना कि हाँ मेरी वो तिथि है तो जब जब आएगा तो मैं उस दिन जो है मरने का अनुभव करूंगा। करेंगे आप, कब करेंगे, कैसे करेंगे, मालूम होना चाहिए। हमारे दादा गुरु धर्मसूरी महाराज थे तो उन्होंने 15 दिन पहले पूछ लिया था, भाई अभी वो थोड़ा दिवस नो मेहमान छो, और फिर भादरवा शुद्ध 11 परसों की तिथि जब गई तो उन्होंने अपनी तरफ से साफ शब्दों में कह दिए, सवार में उठाए आने पछे हिमांशु विजय आज शु तिथि छे साहेब, आज भादरवा शुद्ध 11 छे, तो बस अभी हूँ 3 दिवस नो मेहमान छो, अभी मारे 3 दिवस छे। तो उन्होंने शिष्य ने कहा गुरु महाराज अरे तो आज तुम्हारी उम्र तो जी 55 है, अत्यार्थी क्या था, तो कि उम्र गणवानी हो के सुकम गणवानी जरूर। भादरवा सुदी 11 को सुबह उठकर जैसे तिथि पूछी तो उन्होंने कह दिया कि अवे हूँ 3 दिवस छू, एले 12-13 ने 14 दी। अब ऐसे में भादरवा सु 14 हुई, सुबह उठे, अब प्रतिक्रमण वगैरह सब हो गया, शिष्य को पूछा आदेश, बिल्कुल स्वस्थ नहीं, एकदम स्वस्थ नहीं थे, तबियत नरम चल रही। अब सुबह आदेशों तिथि छे, भादरवा सु 14 छे, सूर्योदय थई गयो, आज से बस हवे हवे आ थई जवायो थई रहयो छे, बस वो पद्मासन लगा के ध्यान करने बैठ गए। 11 को भी बैठ गए थे, 12 को भी बैठ गए थे, 13 को भी बैठ गए थे, और 14 तो अभी सूर्योदय हो रहा है और वो ध्यान लगा के बैठ गए, भाई हमें मारे जवान उठे, बस फटाफट सभी शिष्य दौड़ करके पास में आ गए, सब बैठ गए और सबने एकदम, और
बरोबर जैसे ही वो बैठे और थोड़ी देर में जो है सब शिष्य तो पास में बैठे थे, वो खुद ही ध्यान में बैठे तो नौकर कैसे बोले, खुद ही ध्यान में बैठे हैं तो उनके लिए सब एक साथ में चिल्लाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपने अपने ध्यान में ऐसे बैठे थे और थोड़ी देर हुई समझे कि नहीं, जितना जब तक उनका ध्यान चलता था सभी शिष्य पास में थे क्योंकि 3 दिन से बोला हुआ था और सबको ध्यान में था। तो आजे ध्यान रखो ऊपर से भाई, और जैसे ही आधा पौना घंटा हो गया तो धीरे धीरे तो दो पर सबने नवोरियंताण वगैरह शुरू किए। थोड़ी देर के लिए उन्होंने वापस ऐसे सिर उठाया लेकिन फिर वापस, तो धीरे धीरे सिर ढलता गया। अभी सब शिष्यों ने सिर भी पकड़ा, हाथ भी स्थिर करने की कोशिश की, नवोरियंताण बोलते रहे सब अपनी तरह से, लेकिन आखिर फिर देखा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ी जो अब शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा है। फिर चलो भाई अब उनको ध्यान तोड़ाना छोड़ाना क्या करना, तो भी गुरु महाराज को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला करके, अब सबने जब हाथ छोड़ा तो शरीर लुढ़क गया, बोले खेल खत्म। अब ऐसा आभास जो है तो बहुत समय में जावर पहले शरीर लुढ़की, जो आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाएंगे तब छोड़े तो जाएंगे, तो जब छोड़ने की जैसे जैसे छोड़ने की शुरुआत होगी तो अनंत वीर शक्ति तो किसकी है, हाँ तो ठीक है ना। तो जब जैसे ही शरीर छोड़े तो थोड़ी देर उनको लगता हुआ लगा चला गया, लेकिन जैसे आत्मा निकल गई, अब उन्होंने तो पकड़ के रखा था उनको ख्याल ही नहीं था, जैसे ही छोड़ा तो फड़ाक से जो है अब उन्होंने समझ लिया कि हाँ अब गया था, और फिर तो हिलाया बुलाया तो फिर तो ये अब किसको ख्याल आ जाए, कौन अपनी तिथि समझ करके पहले से जी बारिश पुण्य तिथि ऊंट बनावे लो, तो ये तो दुनिया में होता नहीं है, कौन करे सा ये थोड़ी मालूम पड़ता क्या लगेगा। अब ऐसा जब अब देखो उनको ही मालूम पड़ा, दूसरों को क्यों नहीं मालूम पड़ता, 10 साल पहला 20 साल पहला 25 साल पहला, अब देवताओं को तो जन्म से मालूम होता है, मालूम तो अवधि ज्ञान है ना उनके पास, 6 महीने पहले संकेत शुरू होने से उनका उपयोग उधर जाता है, लेकिन जन्म से लेकर के उनको अपना काल मालूम है, लेकिन इतना लंबा पल्लवम सागरोपमों का काल है तो वो अपने स्वर्ग सुख भोगने में लीन होकर के भूल जाते हैं। चलो यहाँ पर द्रव्य कारणत्वा कार्य, तो यहाँ पर अस्तित्व, अब अस्तित्व हमने ये देखा कि द्रव्यगत अस्तित्व है तो काल में मापक बनेगा, काल तो व्यवहार के लिए आप काल मापकता है, अब काल मापकता में मूलभूत द्रव्यगत अस्तित्व पहले होना जरूरी है, खेलेंगे अब उससे आपको जो है कालिक अस्तित्व बना, ये संज्ञा कालिक संज्ञा दी उसको, इसलिए अब इससे क्या सिद्ध होता है, एक बार द्रव्यगत अस्तित्व और कालगत अस्तित्व स्वीकार कर लिया, अब उस द्रव्य की उत्पत्ति नाश कभी होता ही नहीं है, उत्पत्ति नाशा भावे उत्पत्ति कर्तुर अपि अभाव नाश कर्तुर अपि अभाव, जब उत्पत्ति अभाव द्रव्य में ही नहीं होता है तो करने वाले कर्ता को बीच में क्यों लाया जाए। इति कृत्वा सर्वज्ञ दर्शने पदार्थानां पदार्थ समूहात्मक जगतः अपि उत्पत्ति नाशो नैव भवति, यस्य उत्पत्ति नाशो नैव भवति तस्य अनादि अनंत कालीना अस्तित्व सिद्धि स्वीकरणीय एव। इतना स्पष्ट सिद्धांत है कि जब पदार्थ की उत्पत्ति और अभाव कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो फिर आप उसको जो है उत्पन्न करने वाला नष्ट करने वाला क्यों मानो, चलेंगे अब जिसका उत्पत्ति नाश होता है वो पदार्थ जो है सोत्पन्न सविनाशी है, वो द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, अब आप पुद्गल द्रव्य को आप उसको ऐसा मानो ये व्यवहार में बैठ सकती है बात, आ रहा है ख्याल में, तो वो कैसा रहेगा, सादी शांत है,
अब वो स्वयं ही अपने आप में जो है परमाणुओं के पुद्गल के प्रदेशों का संगठन विघटन होने के कारण ही उत्पत्ति नाश है, इसी कारण साधी साध। अब इसके लिए भी स्वयं ही उसके अंदर घटना हो रही है तो दूसरे को करता क्यों मानो? वैसे काल किसी बाधक नहीं है ना? नहीं, काल बाधक नहीं है, काल के अंदर व्यवहार हो रहा है। हम उसकी व्यवहार को, उत्पत्ति और व्यवहार को काल के अंदर व्यवहार की विवक्षा करेंगे। उत्पत्ति उत्पन्न में काल बाधक तो नहीं है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अब जिसके अंदर जो है ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो, उसमें काल बाधक नहीं है, इसमें काल बाधक है आपने ऐसा? हाँ, तो इसमें भी काल बाधक, मतलब किसमें बाधक बनेगा? किसी में भी नहीं, मापक में, काल में। काल में तो क्या करेंगे आप, और पदार्थ में भी। जब पदार्थ में आपने आपने लाल के अंदर पीला रंग मिलाया, अब क्या हुआ, पदार्थ में ही परमाणुओं का पर्याय परिवर्तन हो रहा है। अब वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब जाकर के ये कहा। अब उसमें काल जब आकर के बाधक बनेगा, अब आपने उसके अंदर काल साधक करके फिक्स करके रख दिया, आपने पानी में चुना डाला, अब वो कितने काल तक रहेगा, तब कितने काल तक पानी अचित रहेगा, ये काल की बाधकता आ गई। आपने साग सब्जी फ्रूट समारा, अब व्यवहार काल से ही करते रहेंगे। आपने साग सब्जी उसमें होता, उसमें क्यों नहीं हो सकता है? उसमें अनादि अनंत है, और द्रव्य स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, द्रव्य स्वरूप में असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड रूप अनंत काल तक एक सरीखा बना रहेगा, तो काल कहाँ आया? काल बीच में नहीं आया, तो अपने हिसाब से चल ही रहा है, मतलब काल अपने हिसाब से चलना उसकी बात है। लेकिन इसके अंदर, इसके अंदर काल बीच में नहीं आया, काल के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें काल के कारण भी पर्याय परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद व्यय होने के कारण पर्याय परिवर्तन, अब वो हो रहा है, वो काल की व्यवस्था में हो रहा है, काल में ही हो रहा है। तो काल तो मापक है, बाधक थोड़ी है। हाँ, मापक है, बाधक तो नहीं, मापक है। बाधक कब बनेगा? जब इसके अंदर बाधक बनेगा, तब आप उसको बाधक बनने का कारण निमित्त मिले तो बाधक बनेगा। बाधकता का निमित्त काल की व्यवहारता, इतने काल के बाद वो क्यों नहीं अचित रहता है? तो पदार्थ कोई नहीं, अपन ये पदार्थ, मैं पदार्थ कह रहा हूँ। अभी आप सुनो, पानी में चुना डाला, 72 घंटे के बाद क्यों नहीं अचित रहता है? तो पदार्थ का प्रॉब्लम है, काल का प्रॉब्लम। काल 72 घंटे किसका लाया? 72 घंटे अपन मापक रखा है। हाँ, तो वो 3 दिन, वो बाधकता का व्यवहार, भाषा के व्यवहार वही बनेगा, भाषा के व्यवहार वैसा ही बनेगा। पदार्थगत हो रहा है, लेकिन व्यवहार में भाषा वैसी बनेगी आपकी। 48 मिनट के बाद ही अचित क्यों होता है? पदार्थ के कारण। 48 मिनट के अंदर क्यों नहीं अचित हो जाता है? 1 मिनट के बाद अचित क्यों नहीं हो जाता है? अलग अलग गुण है उसके हिसाब से। हाँ, तो अब व्यवहार किसमें करेंगे? मापक में, भाषा। हाँ, बस भाषा व्यवहार काल मापक में करो, तब आपको वैसी भाषा बनानी पड़ेगी। ख्याल है, यहाँ पूरा आधार भाषा पर चलेगा, तभी तो भाषा के कथन पर वाद, वाद कथनात् द्रव, ये नए वाद स्याद वाद, तो वाद में ही भाषा चले। अब ये जो पदार्थ हो गए, इसमें इस पदार्थ का स्वरूप मूलगत द्रव्य स्वरूप है, और वो अनादि अनंत। अब इसके ऊपर ये आधारभूत द्रव्य के नियम बन गए, द्रव्यानु योग के नियम के आधारगत द्रव्य ही ऐसे हैं, तो फिर बनाने वाले को क्यों बीच में लाते हो? अब जो भी कोई बनाने वाले को बीच में लाएगा, वो मूलभूत सिद्धांत तोड़ेगा तो ही व्यवस्था बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। आ रहा है ख्याल में आपको? कोई भी और करता एक ही हुआ। हाँ, एक ही हुआ। अब जो बनाने वाला, मतलब ऐसे लोग, ऐसे दर्शन जो इस बात को, कर्ता को बीच में लाके बनाएंगे, हमारा ईश्वर करता है, हमारा ईश्वर करता है, ईश्वर के अंदर मूल द्रव्य रहा, वो द्रव्य करता हुआ, द्रव्य नहीं, ईश्वर। कर्ता कौन?
कर्ता के रूप में जिस किसी को बीच में लाएंगे वो द्रव्य के इन द्रव्यानुयोग के द्रव्यगत शाश्वत सिद्धांतों को तोड़ेंगे तो वो व्यवस्था बैठ, नहीं तो नहीं बैठ। तो पहले उनको ये ला करके तोड़ना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं? आत्मा को द्रव्य मानना या नहीं मानना, अब पदार्थ का स्वरूप वैसा है लेकिन उन्होंने अभिनिवेशिक भाव से अपने सिद्धांत को बड़ा बना करके उसको तोड़ने के नियम बनाए। आत्मा करता है कि आत्मा जो व्यक्ति में रहा हुआ वो करता है, वो ही कर, आत्मा ही करता है। अब ईश्वर आत्मा है ना, तो उनका स्वरूप बराबर है। ईश्वर आत्मा है तो ईश्वर जब आकर के करता है तो उनको ये कहा कि आप ये स्वीकार, इसी का कर्ता मानो, पुद्गल का ही कर्ता मानो, पुद्गल को इसका स्वीकारो, पुद्गल में ये सब हो रहा है, नहीं बोले सब में, तो उधर सब में माना तो पूरे जगत का कर्ता ईश्वर बना दिया। अब पूरा जगत क्या है? पंचास्ती काया का समूहात्मक जगत है, पांचों द्रव्यों का समूहात्मक जगत है, और वो पांचों द्रव्यों को वैसा मानने लग गए तो अपन घर एक में मानते हैं पुद्गल द्रव्य में। हाँ। पर्यायों में संयोग विगोर संगठन विघटन संयोग वियोग करोगे तब द्रव्य निर्माण हो रहा है, द्रव्य के पागुण और पर्याय निर्माण हो रहा है, संगठन हो रहा है। कर्ता पुद्गल करे तो ना, उसमें क्रिया शक्ति जो है, क्योंकि पुद्गल निष्क्रिय द्रव्य जड़ द्रव्य स्कंद रूप में परमाणु रूप में गति आदि कर्ता रूप में, लेकिन जब पुद्गल है तो पुद्गल की सारी क्रिया करने वाला कौन? आत्मा। अब आत्मा जब करेगा तब उसके अंदर होगा। आप किसी भी पर्याय का परिवर्तन करोगे इस रूप में तो करने वाला कर्ता करेगा आत्मा। अब यहाँ पर जो आत्मा, जिस आत्मा को ईश्वर रूप में उन्होंने माना, तो जैनों ने कहा कि आप इसमें कर्तृत्ववाद मानो तो ठीक है, नहीं बोले सब में मानना। संपूर्ण जगत सृष्टि उत्पत्ति करता सैव ईश्वर, चार पदार्थों में सब में, चार बार मतलब सब में मानना है उनको, नहीं वो सब में मान रहे, अपन एक में मान रहे। हाँ, हमको चार में तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अनुत्पन्न अविनाशी है, इसलिए किसमें कुछ नहीं है। अब उनको क्या है, जगत के संपूर्ण स्वरूप के, मतलब पहले उन्होंने पदार्थ के अस्तित्व का अभाव माना, अभाव सद्भाव आकाश मानते हैं, आत्मा मानते हैं, तो दो बोलन चार क्यों बोला फिर? आत्मा और आकाश को वो मानते हैं, धर्मास्ति का अधर्मास्ति का है, उनके लिए दृष्टि के बाहर की चीज है, लेकिन अब वहां पर उन्होंने संपूर्ण जगत का कर्ता बता दिया, संपूर्ण जगत आ गया, कोई भी उसमें बाकी नहीं रखना है उनको, तो संपूर्ण जगत को लेकर के जब चलेंगे तब क्या करना है? तो उनके लिए तो पहले उनको क्या करना है, अब कर्ता बनाया, कर्ता बनाया तो इसके पहले कोई द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं था, ये उनको सिद्ध करना है। सर्वथा अस्तित्वा भावे, अब सर्वथा अस्तित्व का अभाव सिद्ध करके ईश्वर का सद्भाव कहाँ से लाया आपने, वो कैसे सद्भाव हो गया? तो वो एक उदाहरण तो भी घटेगा ना, अपने मत से कर्ता के कारण भी और कर्ता के बिना भी पुद्गल द्रव्य से कर्ता हुआ तो बनाया पुद्गल के द्रव्य में स्वस्रा विश्रसा, स्वयमेव और विश्रसा कर्ता के कारण दोनों रूप में, तो दोनों रूप में पुद्गल के अंदर ही पर्याय परिवर्तन अपने आप ही हो रहा है तो हो रहा है, चले और कर्ता के कारण भी हो रहा है तो हो रहा है, तो दोनों बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर तो उन्होंने क्या किया है कि संपूर्ण जगत किसको कहेंगे, अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों का जो समूहात्मक स्वरूप जगत है उसमें उन्होंने जो है कर्ता को बैठाया। अब कर्ता को बनाने के पहले अगर बनी हुई कार्य को मान लो तो कर्ता का कुछ भी कारण अभाव सिद्ध हो जाएगा। कर्ता के पहले ही अगर वस्तु का सद्भाव मान लो तो उनको उन्होंने क्या किया कि पहले कर्ता को ही मानना है, बाकी सबका अभाव मानना, अभाव मान करके अब कर्ता जो है सर निर्माण करेगा, सर्जनम
सृष्टि है सर्जनम, सृष्टि स्वरूपम किम ईश्वर सर्जितम यत्तत् सृष्टि। अब ईश्वर ने जो निर्माण किया वही सृष्टि, तो पहले उसको उत्पत्ति का अभाव करता हुआ और वस्तु तत्व का अभाव, द्रव्य का अभाव, संपूर्ण अभाव। अब वो संपूर्ण अभाव सिद्ध करने के बाद अब सद्भाव सिद्ध करेंगे। अपने में पुद्गल ये पांच प्रकार स्वरूप जो जगत है उनका कर्ता ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? पांचों द्रव्यों का अस्तित्व स्वतंत्र है, पांचों द्रव्यों का अस्तित्व स्वतंत्र इसके लिए नहीं है, लेकिन पुद्गल स्वरूप से पुद्गल के संयोगी से जो भी नया चीज बनेगा उसका कर्ता आत्मा है। पुद्गल भी है, स्वयं भी होगा और आत्मा करने से भी होगा। अभी आत्मा ने शरीर बनाया, आत्मा ने अपने रहने के लिए शरीर बनाया और आत्मा ने शरीर बनाकर रहने के लिए मकान बनाया। तो शरीर आत्मा ने बनाया और पुद्गल का मकान भी, और पुद्गल के परमाणु में संयोजन वियोजन होकर के स्वयं भी बनेगा तो वो होता रहेगा। तो पुद्गल का कर्ता कौन बना? आत्मा। अब परमाणु थे तो आत्मा ने किया, परमाणु नहीं होते तो आत्मा कर्ता होकर के भी क्या करते? तो न्यायिक पुद्गल खुद में संघात विघात होगा कि नहीं? संघात विघात के अंदर कोई भी प्रक्रिया हो तो बराबर है। अब आत्मा वहां पर ने पानी पड़ा और सूर्य के ताप से पानी बाष्पीभवन हो गया। अब मैंने कल देखा था तब यहाँ पर पानी था, आज नहीं। अब समुद्र का पानी है जो आपने रखा है पहाड़ी के बीच में है, पानी बुढ़ करके बाष्प बन गया और पीछे नमक रह गया। अब वो नमक लिया तो खारा सा, अब नमक बनाया किसने? अब वहां करता कौन आया? समुद्र में से पानी तो निकल गया, समुद्र पूरा खाली हो गया, उसके वापस पानी कैसे लाना? वापस पानी आएगा क्यों नहीं? वही समझ वही था। अब समुद्र में से पानी पहले तो कभी खाली होता ही नहीं है, अनंत काल तालाब में से हो गया, खाली हो गया। अब वापिस जब बादल आएंगे बरसेंगे तो चारों तरफ के नाले आकर के तालाब भर जाएगा, तो वो जो पानी ऊपर गया वही पानी नीचे आया वापस। हाँ, तो प्रक्रिया तो चलती रहेगी। किसने बनाया? तो पुद्गल खुद ही नया बना था, वो कैसे? तो जो था वही पुद्गल खुद मतलब नया बनाया कैसे कि लाल में पीला आकर के मिला तो हरा बना। अब ये कैसे बना? दो पुद्गल के संयोग से। हाँ, तो हुआ ना, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुणधर्म है। अब किसी भी प्रकार के वर्ण, किसी भी प्रकार के रस, किसी भी, तो परस्पर दो मिलेंगे तो उसमें से तीसरा बनेगा, परस्पर दो मिलेंगे तो ये पुद्गल का स्वस्रा स्वाभाविक स्वयं से और बनाए तब आत्मा बनाए, कर्ता आत्मा है, उसको जैसा चाहिए वैसा बनाएगा। ख्याल है कि नहीं? तो वो जब करना है तब वैसा करेगा, समझेगा। अब ये लकड़ा है, पाठ है, ये आत्मा ने कर्ता ने बनाया, ऐसा आकार दे करके पाट, ऐसा आकार दे के टेबल, ऐसा आकार दे कर कुर्सी, ऐसा आकार दे के फलक, ये अपने अलग अलग बनाया, समझे। अब लेकिन पुद्गल स्वयं कैसे बना है? तो जो है जीव जा करके पुद्गल को बनाएगा तब तो वहां पर भी जीव करता है। तो एक जीव बीज ने पुद्गल परमाणु लिए अपना तना बनाया, अब उसके बाद मनुष्य कर्ता ने जाकर काट करके उसके अंग भाग बनाए तब टेबल कुर्सी बन गई। पुद्गल के अंदर क्या है कि स्कंद से प्रदेश, प्रदेश से स्कंद, आत्मा ने सब पुद्गल लेकर के शरीर बनाया आत्मा को रहने के लिए, बराबर है। लेकिन आत्मा ने खुद ऐसा काम क्यों किया जो कर्म लेके इतना संसार में रखने का काम किया? हाँ, वो कारणीभूत राग द्वेष है, क्यों किया, का क्या कारण था, वो भी खुद परेशान हो रहा है, वो छूटने के लिए वापस ऊपर जाने के लिए मेहनत कर रहा है, करना है तो नहीं करना चाहिए, वो कर्म के कारण है। कर्म स्टार्ट से, कर्म तो बाद में आया ना, बाद में नहीं आया, कर्म पहले से, क्योंकि पहले आत्मा द्रव्य अलग था, पुत्र अलग था, नहीं थे निगोद की अवस्था में, रहने के लिए पुत्र के द्वारा शरीर बनाया, निगोद के, निगोद की अवस्था में जीव ने पहले से ही पुद्गल को धारण करके रखा है। आत्मा द्रव्य अलग है, पुत्र द्रव्य अलग था, नहीं बोलना, अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, है। फिर उन्होंने मिलकर घर बनाया, बनाया तो घर में निर्मल रहना चाहिए, पर मैं नहीं अक्कल है पाएगा। ये मुख्य समझने में आत्मा के ज्ञान दर्शन है, उसके साथ आत्मा में
चारित्र गुण भी है, उसी के अंदर राग द्वेष आए। जब पुद्गल ग्रहण करना है तो राग आदि भाव आए, उसी के ज्ञान दर्शन जाकर के विकल्प हो गए। भुगते गए इसमें ना, थोड़ी टेंशन मत लो आप। जब दुख आता है तब टेंशन आता है ना, विपर्यास जब हो रहा है तब टेंशन आ रहा है, वो सहन नहीं हो रहा है इसलिए आ रहा है, और कोई कारण नहीं। अब ऐसे ऐसी स्थिति के अंदर मुख्य हेतु जो है तो वो हम कर्म शास्त्र में उसको मूल पकड़ेंगे। यहाँ पर द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है, द्रव्यानुयोग ने पांचों द्रव्यों का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध किया द्रव्य रूप में, लेकिन जीव और पुद्गल ये मूलभूत अनादि काल से निगोद अवस्था में साथ में ही रह रहे हैं, ये भी हमको इतना ही स्वीकार करना पड़ेगा। स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए मिल करके रह रहे हैं, उसी में तो जीव को अभेद भाव लग रहा है। अब उस अभेद भाव की संज्ञा स्मृति हमारी अनंत कालीन बन चुकी है, अब उसको आपको जो है भेद बुद्धि से अलग करना है। अब भेद बुद्धि से जब आप अलग करोगे और वो भेद ज्ञान की प्रतीति हो जाए और वो स्थिर बुद्धि हो जाए, वो सम्यक दर्शन। बोलो आप पहले अंदर बोलो, ये वाक्य अंतिम काम और आत्मा इसकी हमारे में अभेद बुद्धि रही हुई है, इसकी भेद बुद्धि हो जाए और इसकी प्रतीति हो जाए, इसे ही सम्यक दर्शन। तो आपने एक शब्द क्या छोड़ा वाक्य बीच में, स्थिर, ये प्रतीति स्थिर रह जाए। हाँ, ये जो है ये अगर आपकी प्रतीति का बोध अंदर, अरे बाद में बात वो मत छोड़ो, फिर उधर गया, पहले ये पकड़ो। जीव और पुद्गल का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी और पुद्गल का स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी अनादि अनंत काल से सम्मिलित अवस्था में रहने के कारण अभेद बुद्धि बन चुकी है। इस अभेद अभेद भाव का भेदन करके भेद बुद्धि बनाकर आत्मा और पुद्गल के सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व का भेद ज्ञान करना, ऐसे भेद ज्ञान की प्रतीति करना, इस प्रतीति को स्थिरता देना, यही सम्यक दर्शन है। अब ये निश्चय नहीं में जाएगा, हाँ क्या लगेगा, अब लोग समझ लो आत्मा और पुद्गल तो स्वतंत्र है, ये मूलभूत ही स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन रहने के लिए दोनों मिलकर है, इससे क्या भाषा व्यवहार क्या करेंगे। अनादि अनंत काल से आत्मा बिना पुद्गल के एक क्षण भी नहीं रहे, एक क्षण भी आत्मा बिना पुद्गल के नहीं रही, है स्वतंत्र अस्तित्व, द्रव्य रूप में स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन जब भी रही तब पुद्गल के घर में ही बना करके रही, पुद्गल के बिना रही नहीं, यही अब जीव की पर्याय स्थिति शुरू हुई। स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी
पर पुद्गल द्रव्य में रहना, और इसको काल कितना बीत गया, अनंत काल। अब अनंत काल बीतने से जीव ने पर पुद्गल द्रव्य के साथ स्वयं की अभेद बुद्धि बना ली और अभेद बुद्धि से व्यवहार किया। अब ये करते करते उसके अंदर ये अभेद भाव की बुद्धि का व्यवहार बन गया। अब आपको क्या करना है, इसमें भेद बुद्धि कर, अभेद भाव से व्यवहार में क्या, हूं जात्मा छु, हूं शरीर है जात्मा छु, अब शरीर होते हुए हूं शरीर छु, हूं जात्मा छु, अब ये अभेद व्यवहार हो गया, ऐसा अभेद बुद्धि उसमें मानसिकता बन गई। अब आपने जब ये द्रव्यानुयोग समझ लिया तो आपकी समझ स्पष्ट हो गई, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। अब आपको जानना क्या है, क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, किस कारण से हो, क्या कारण है, वो क्या कारण, बस उसी पर तो पूरा कर्म ग्रंथ खड़ा है, तो वो शास्त्र हमको पढ़ना है क्यों हुआ ऐसा। अब ये होने के बाद अब आपको भेद द्रव्यानुयोग का काम कितना है वो आपको क्या कहेगा, अब अभेद में भेद बुद्धि करो, भेदक ज्ञान शुरू करो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर से आत्मा सर्वथा भिन्न है, आत्मा तब तब स्थिर हो जाएगी वो सम्यक दर्शन। तो बिना द्रव्यानुयोग के भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और हमको व्यवहार में हमको द्रव्यानुयोग का ज्ञान नहीं है, हमारे द्रव्यानुयोग की दृष्टि बुद्धि बनी हुई नहीं है, इसलिए हमको प्राथमिक व्यवहार में व्यवहार सम्यक तो समझाया है देव गुरु धर्म मौनेरिया। अब ये व्यवहार नहीं से राजी तो करना पड़ेगा, अब माँ बच्चे की जिद पूरी करने के लिए आकाश में से चांद ला के तो नहीं दे सकती, छोटू घूस नहीं तो वह नहीं बताता कौन करता, तो नास्तिक बन जाता और उल्टा हो जाता, चला जाता उल्टी दिशा में, तो कुछ में दर्शन हुआ। हाँ तो ये प्राथमिकता है, आप व्यवहार नए से ही प्राथमिकता चलेगी। अब आप आओ निश्चय नए में, क्यों नहीं हम जाते, आप द्रव्यानुयोग का भेद करके भेद बुद्धि करो, ये हो गया निश्चय नए से, नहीं कैसे होता है। अब आपको पूरी जिंदगी चॉकलेट खाते खाते मीठा स्वाद अनुभव करना है और फिर इसमें कभी आना ही नहीं, अनुभव ही नहीं करना है, तो ये है कि प्राथमिक कक्षा में सबके लिए व्यवहार सम्यक से ही व्यवहार चलेगा, ताकि वो इतने सब न करने जैसे व्यवहार तो छोड़ेगा, नहीं करने जैसे व्यवहार संसार के अंदर बहुत है, अब वो उनको छोड़ाना है और वो छोड़ा करके इसको देव गुरु धर्म तक ला करके एक परिसीमा में उसको सीमित कर दिया, एक परिसीमा में सीमित कर दिया, ये उसका व्यवहार सम्यक हो गया। अब आइए आप, हाँ। अब जिसमें अभेद पना था अभेद बुद्धि की, उसी में भेद बुद्धि निर्माण करो, हम भेद बुद्धि निर्माण करके मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा शरीर से अलग है, ये अब ये अनुभव करके ये अनुभूति बनाओ अंदर, ये अनुभूति अंदर स्थिर करो, तब आपका निश्चय नय का सम्यक दर्शन आएगा। अब वो निश्चयात्मक क्यों बना, निश्चय बुद्धि हो गई और निश्चयात्मकता से स्थिर बुद्धि हो गई, अब स्थिर बुद्धि बदलेगी नहीं, वो स्थिर रहेगी, ये आपका व्यवहार है, ये व्यवहार कल आपका बदल भी जाएगा, तो उसको तो कम से कम आप स्थिर रखो कम से कम, तो व्यवहार में से आगे बढ़कर निश्चय नय में आना पड़ेगा, और इसके लिए निश्चय नय के लिए जिसको निश्चय नय समझना है, निश्चय व्यवहार भी समझना है, दोनों का स्वरूप समझना है, दोनों को अलग अलग समझना है, दोनों का भेद ज्ञान आपको करना है, तो आपको द्रव्यानुयोग उपकारी है, क्योंकि द्रव्यानुयोग एक 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 पदार्थ का अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व कैसा है ये स्थिर करके, अब उसके बाद में सम्मिलित स्वरूप में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से वो कैसा है वो भी स्पष्ट कर लेंगे, और वो जिस तरह से जैसे स्पष्ट कर लेंगे, तो आपका ज्ञान भेद अंदर से स्पष्ट होना चाहिए, ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर आपका जो है वहां पर ज्ञान स्पष्ट नहीं, भेद ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, बस बात इतनी सी है। तो जरूरी है तो
तो हमें देव गुरु धर्म बताया ऑपरा जो देव ने मानना डिजन नहीं मानना बराबर। तो जैसे जो अतिचार में बात आ रहा है गणेश चतुर्थी सिद्धि के रहा तो मैंने अतिचार बताई अनाचार नहीं बताई होगी अतिचारी बनाएंगे और क्या बताएंगे अनाचार कैसे बनाएंगे तो आपका सम्यक दर्शन अंदर श्रद्धा है ना इसलिए उसको अतिचार लग रहा है। ये नहीं होता तो अनाचारी अंदर आपकी श्रद्धा में आपकी समझ में वितरागी देव आप वितरागी देव की आपकी श्रद्धा सद्भावना बुद्धि बनाई हुई है अब उसको तोड़ करके आप उधर जा रहे हो इसलिए वो अतिचार लग रहा है। आप ये छोड़ देते कि आपके पास ये है नहीं वो रोज वही कर रहा हूं साहब ये छोड़ दे तो अनाचार की बात आती चले। तो अतिचार का ज्ञान आपको दिया है समझ लिए सावधान गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग को ड्राइवर करते करते एक्सीडेंट हो सकता है तो जब व्रत लिए व्रत वाला आचार प्रधान जीवन जी रहे हो इन इन दोषों की संभावना है आप सावचेत रहना उस तरफ मत जाना। सीता जी को बैठा कर लक्ष्मण जा रहे हैं तो लक्ष्मण रेखा बनाई अब आप इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना माता जी आप इसी में रहना आपका कुछ भी नहीं। अतिचार तो अनाचार तो हो गया अलग उल्टे मानना ही नहीं उसको वो तो फिर है ही उल्टा सर्वथा क्या लाएगा नहीं वो बात अलग हो जाएगी। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। थोड़ा पसे पसे हाँ। ठीक है तो बीजा है।